ठीक हेलो ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा एक अगला लेक्चर है लेबॉर्टनी सर्टिफिकेट कोर्स के हवाले से। ऑलरेडी इसमें जितने लेक्चर्स हमने स्टार्ट में पढ़े हुए थे, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें हमने अभी तक ओवरव्यू के बारे में पढ़ा हुआ था कि लेबॉर्टनी होती क्या है, कौन करता है इसे, एक्चुअली लेबॉर्टनी की ज़रूरत क्या है। देन वी हैव कोट सम एग्जाम्पल्स जो कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि डिफरेंट टेस्ट होते हैं और उसमें फिलबॉटनी की ज़रूरत होती है। मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है, एक दफ़ा मुझे काइंडली बता दें। जी आ रही है सर। ओके ग्रेट। अच्छा, दूसरा अभी मैं पीपीटी ओपन करूँगा तो काइंडली ये भी बता दें कि आपको पीपीटी जो है वो नज़र आ रही है या नहीं आ रही। जी आ रही है। अच्छा, मैं जो स्क्रीन पे जो कुछ लगा हुआ है वो आपको नज़र आ रहा है? जी सर। हाँ जी सर। चलिए ठीक है। ओके, सो जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्टार्ट में आज जो है इमरान अफजल साहब भी आ गए हैं, ठीक है। ओके, तो जो लास्ट लेक्चर था उसकी मैंने लिंक जो है वो शॉर्ट सी वो आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे और आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर की हुई थी। तकरीबन उसका लबालबाब, उसकी समरी जो थी वो यही थी कि हम फिलबॉट में क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर जो है वो हम इसके तरफ जा रहे हैं और आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिटेल के साथ थोड़ा और जाएँगे और इसमें जो आज के टॉपिक्स है वो कवर होंगे, यानी ब्लड फिजियोलॉजी, क्योंकि जो मेनली फिलबॉटमी में मेन सैंपल है, बाकी भी बहुत सारे सैंपल है जैसे अदर देन ब्लड सैंपल तो नॉन ब्लड सैंपल्स भी है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे पास ब्लड की होती है। तो ब्लड के अंदर आज हम ब्लड फिजियोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे कि ब्लड बनता कैसे है, इसमें कौन से सेल्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड होती कैसी है और ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, और ब्लड से भी क्या हम आगे जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये आज का टॉपिक है और इसी को हम लेके जाएंगे, और टाइम अगर हमें और मिलता है तो हम मज़ीद भी आगे इसको लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मुझे आप लोग ये बता दें कि जो स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे है तो उनमें से वो कौन से स्टूडेंट है जो अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो ले रहे हैं? सर मैं फर्स्ट लेक्चर। राजा उसामा साहब जो है वो आप फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। राजा जी, राजा वेलकम ऑन बोर्ड, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने वर्चुअल क्लास के अंदर। आप अपना शॉर्ट सा जो है इंट्रो दे दें कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, आप कौन है, क्या करते हैं, बाकी लाइफ के अंदर कोई जॉब है या नहीं, तो ये ज़रा शॉर्ट शॉर्ट सा बता दें। सर मैं मोहम्मद उसामा माज नाम है मेरा, मैं राजीव हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, ठीक है, फिलबॉटनी में। तो मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी तो इस वजह से मैंने क्लास ज्वाइन की है, इस वजह से कोर्स थोड़ा सा ज्वाइन। जी सही है। ओके वेरी गुड, मतलब आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपको जो है वो सर्टिफिकेट की का इशू आ रहा है तो उसकी वजह से जो आप सर्टिफिकेट करना चाह रहे हैं, दैट्स ग्रेट। कोई और स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो हमारे पास नया हो? सर सईद अनवर जी। सर जी सईद अनवर, आप भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दें।
सर मैं अभी आरआईडी जो है ना मेडिकल फील्ड में हूँ, शिफा इंटरनेशनल में मॉर्निंग टाइम विजिटिंग पे हूँ और इवनिंग टाइम एक फिक्स क्लीनर ड्यूटी, एमरजेंसी टेक्नीशियन और डिस्पेंसर के डिप्लोमे किए हुए हैं। और दूसरा सबसे मेडिकल फील्ड में सबसे मसला ये था मेन के 3-4 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन वो पता नहीं था किस फाइल में कौन सा सैंपल जाना, ये आउट थोड़ा सा उठता तो उसके लिए मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ, पता चल जाएगा बस सीपी का या दूसरा बीएसआर ये इस तरह। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे आप काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक मैं फुली होपफुल हूँ कि आपको पता बिल्कुल चल जाएगा कि इस कौन सा सैंपल जो है कौन से वायल के अंदर जाता है और क्यों जाता है, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। कोई और स्टूडेंट्स है यहाँ पे, कोई और स्टूडेंट है यहाँ पे कि जिसने आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया, वो खुद ही जो है वन कर लें? ओके, आई थिंक नहीं है। ठीक है, अच्छा चले, तो जो हमारा टॉपिक है वो आज है ब्लड फिजियोलॉजी का। ठीक है, सो ब्लड फिजियोलॉजी आप लोगों को पता है कि ब्लड के बारे में बहुत सारे मिथ जो है वो भी मशहूर है। अगर इसकी हिस्ट्री पे हम चले जाए तो स्टार्ट में ब्लड अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख ले तो ब्लड लेटिंग आपको पता है कपिंग जिसे कहते हैं या आजकल उर्दू में जिसको हम हिजामा बोलते हैं, तो ब्लड निकालने का एक तरीका था। तो इसका मतलब ये है कि सदियों से ब्लड कोई ऐसी ताकत रखती थी कि जो कुछ ना कुछ इसके अंदर है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो साइंटिफिक एरा आ गया, तो वहाँ पे फिर साइंटिफिक एरा जब आ गया तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें कोई साइंटिफिक चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि स्टार्ट में 1800 के आगे दहाइयों के अंदर आपने देखा कि ब्लड ग्रुप जो है वो डिवेलप हो गए। कहाँ से डिवेलप हो गए? ब्लड से ही आ गए। ठीक है, इसी तरह जो सेल्स थे वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहा करते थे, तो वो भी बिल्कुल ऐसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो हमारे पास आ गए। डिफरेंट ये सिनेरियो थे कि जो हमारे पास साइंटिफिक सिनेरियो थे। जो दूसरा सिनेरियो था इससे पहले वो कुछ मज़े की है, वो आप फिर अगर देखना चाह रहे हैं तो अपना खुद ही आप देख ले वो, क्योंकि यहाँ का टॉपिक नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि पहले ज़माने के अंदर भी ब्लड को जो है वो रूहानी ताकतों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लोग प्रॉपर जो है वो ब्लड के अंदर बैठे होते थे और सोचते थे कि शायद इसके से कोई ऐसी एनर्जी जो है वो अपने बॉडी के अंदर जो है वो आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत होती रहती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के अंदर आपको ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलने में मदद देंगी। और ऑब्वियसली आप उसको टेस्ट परफॉर्म करते हैं और वो टेस्ट जो आप परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलरली इट्स मीन कि ये आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो डायग्नोसिस की तरफ जब भी आपको लेके जा रहे हैं वो क्या चीज़ लेके जा रही है, उसका पहला स्टेप जो है वो कौन सा है? ऑब्वियसली उसका पहला स्टेप जो है वो है, वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें आप किसी इंसान से या किसी पेशेंट से आप ब्लड जो है वो ले रहे हो। और वो ब्लड लेने का जो अमल है इसको हम कहते हैं फ्लेबोटमी। और उस बंदे को वो कोई भी हो, राजे साहब आप काइंडली अपना ये ऑफ रखा करें, म्यूट करा करें, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो सारा अच्छा, तो वो जो ब्लड लेटिंग है या ब्लड एक्सट्रैक्शन है, डिफरेंट नामों से इसको पुकारा जाता है, तो इसको आम तौर पे हम क्या कहते हैं? फ्लेबोटमी कहते हैं। ठीक है, और जो बंदा भी वहाँ ब्लड लेता है उस सेक्शन के अंदर, खा वो सेक्शन हो लैब के अंदर, खा वो हॉस्पिटल के अंदर हो, इवन वो आपके पास आने वाला कोई ड्राइवर हो जिसको आजकल हम फ्लेबोटमी बाइक या इस तरह के डिफरेंट नेमों से जो है वो हम याद करते रहते हैं, या वो डॉक्टर हो कि जो वहाँ पे खुद वो ब्लड ले रहा है, तो उस वक्त के लिए वो क्या कर रहा है? फ्लेबोटमी परफॉर्म कर रहा है। और ये काम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आपके सारे टेस्ट आने होते हैं। अगर आपने ब्लड जो है वो सही तरह लिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आगे जो टेस्ट होंगे वो सही परफॉर्म होंगे। सही टेस्ट परफॉर्म होंगे इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो आपके ट्रीटमेंट जानी है वो ठीक परफॉर्म होंगी। मिसाल के तौर पे
अगर मैं आपका सोडियम पोटाशियम लेवल चेक करूं, अब सोडियम पोटाशियम लेवल को चेक करने के लिए आपके पास जो है वो एक इनवॉइस आती है हॉस्पिटल के अंदर, आप जाएंगे उस बंदे से ब्लड लेंगे, आपने ब्लड लिया लेकिन इतनी तेज़ी से लिया, आपने नीडल इंजेक्ट कर दिया और इतनी तेज़ी से लिया कि उसके सारे सेल्स जो है वो बहुत तेज़ी के साथ आ गए। अब जो ये जो रेड ब्लड सेल है, जो फिजियोलॉजी हम पढ़ते हैं, तो रेड ब्लड सेल जो है बहुत ही मासूम से बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेल्स है, 7 to 8 माइक्रोन जो है इनकी साइज होती है, और ये भी जब एक दूसरे के साथ तेजी के साथ जो है वो एक्सीडेंट होता है इनका, तो ये टूट जाते हैं। और आपको पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो है और बहुत सारी चीज़ें होती है, एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बाहर निकलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर का एनवायरनमेंट यानी उस ब्लड में जो बाहर का एनवायरनमेंट है जिसको हम ऑब्वियसली या प्लाज्मा कहेंगे या सीरम कहेंगे, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो उस हीमोग्लोबिन की वजह से कंटामिनेट हो जाएगा। जब वो कंटामिनेट हो जाएगा तो यही सैंपल जब कोई टेक्नोलॉजिस्ट या कोई टेक्नीशियन जो है वो आगे इसको परफॉर्म करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं आएगा। अब उसने ख्वाब भले ही वो टेस्ट दिया हो डॉक्टर को, तो डॉक्टर उसके बेस पे उसको कोई ट्रीटमेंट देगा और वो ट्रीटमेंट जो है वो डिज़ास्टर भी लेके आ सकती है। तो इस वजह से एक छोटी सी मामूली गलती जो है वो बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो कर सकती है। इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये एक एक स्टेप पर जो है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी इम्पॉर्टेंस है वो याद रखनी चाहिए। जिस तरह एक हॉस्पिटल में, एक लैब में या किसी भी जगह पे, इवन आप कहीं पे भी दुकान पे चले जाए, मॉल में चले जाए, तो आपकी जो पहली नज़र है वो उनके रिसेप्शन पे पड़ती है, और रिसेप्शन पे जो सबसे बेहतरीन बंदा होता है, जो डील अच्छी तरह करता है, तो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर वहाँ पर कोई बदतमीज सा बंदा है, कोई अनइथिकली बातें करता है, वो प्रॉपर जो है वो एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिर वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। तो यही मिसाल जो है वो हमारे हेल्थ केयर में होती है कि अगर आपको एक अच्छा फ्लेबोटमिस्ट मिल जाता है तो आप दुआ करें, शुक्र करें कि अच्छा फ्लेबोटमिस्ट मुझे मिला, और इसका मतलब यही है कि एक अच्छी फ्लेबोटमी हुई होगी और आगे मेरे टेस्ट जो है वो ठीक होंगे। ओके, दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फ्लेबोटमी के बारे में, वो एक ये होती है कि गॉड गिफ्टेड चीज़ें कुछ होती है, कुछ प्रिक्स जो है वो हम कर देते हैं जो कि हमें नज़र आता है, वेन नज़र आती है और हम उससे डायरेक्ट जो है वो प्रिक कर देते हैं और ब्लड आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ओबीस पीपल हो गए या बच्चे हो गए, यानी पर्टिकुलरली जो इन्फेंट्स हो गए, उनसे ब्लड निकालना जो है बहुत मुश्किल होता है, और ये गॉड गिफ्टेड होता है, एक्सपीरियंस के साथ भी आ जाता है, लेकिन बंदे के दिल के अंदर अगर वो दिल से ही काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उनको वो ब्लाइंड प्रिक भी ठीक करके जो है वो दे देता है। वो ब्लाइंड प्रिक हम इसको कहते हैं लेकिन एक्चुअली उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस होता है, उसको पता होता है कि मिसाल के तौर पर एक बाजू है, मैं आपको ये ज़रा वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये बाजू है, ठीक है, और यहाँ से वो ब्लड ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेन गया हुआ है, आर्टरी गई हुई है, तो वो ब्लाइंड भी करेगा, तो ऑब्वियसली नीचे जो है वो कोई वेन ही होगा, तो उस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मैं नज़र नहीं आ रहा है, चले वो मैं अपना आर्म ही आपको दिखा रहा था, कोई और चीज़ आपको दिखा नहीं रहा था, तो आप इस्तेफादा कर ले, अपने अपने आर्म को देख ले, उसमें एक वेन जो है वो जा रही है, जहाँ एल्बो जॉइंट है उसमें आप फील करें कि वहाँ पे कोई एक वेन जो है वो जा रही है, तो वो वेन किसी, हाँ बिल्कुल, तो वो किसी की नज़र नहीं आती। तो जब किसी की नज़र नहीं आती, दूसरे हाथ में भी नज़र नहीं आती, आपके जो है डॉर्सल्स में भी नज़र नहीं आती, तो उस वजह से फिर हम एक ब्लाइंड प्रिक करते हैं, और वो ब्लाइंड प्रिक जो है वो किसी का कामयाब होता है और किसी का जो है वो कामयाब नहीं होता, तो वो फिर बड़े मसाइल होते हैं। बेसिकली ये कुछ चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, और गॉड गिफ्ट उसी को करता है जो कि तमन्ना रखता है उससे गिफ्ट लेने का, तो ये बाकी एक्सपर्टीज है। ठीक है, अच्छा, अब जो जी जी सर, ये जो उनसे कीमो पेशेंट होते हैं इनकी वेन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, जो कीमोथेरेपी पहले समझ ले देखिए, कीमोथेरेपी जो है वो किन पेशेंट को दी जाती है, जिन पेशेंट को कोई कैंसर हो, ओके, फॉर एग्जांपल एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, या ब्रेस्ट कैंसर किसी को हुआ है, या कोई एक्स वाई जी कोई भी कैंसर हुआ है। अब ये जो कीमो जब भी देते हैं तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं कि वो उसके ब्लड, उसके वेन को क्या कर देते हैं, कोलेप्स करना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको नीडल
अंदर डालते हैं तो वो ब्लड जो है वो प्रॉपर आ नहीं रहा होता, उसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं और वो ब्लड जो है वो सही तरह निकलता नहीं है। ये आपको कीमोथेरेपी के पेशेंट में भी मिलेंगे, ये आपको डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर भी ये प्रॉब्लम मिलेगी, ये आपको ओल्ड एज के अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी। उनके जो वेंस होते हैं पर्टिकुलरली ओल्ड एज के या बहुत वीक पेशेंट हो के जो स्किन नज़र आ रहा हो, वेन नज़र आ रहा हो और हड्डियाँ ही नज़र आ रही होती है, तो उसको हम फिर डांसिंग वेन बोलते हैं। और वो डांसिंग वेन जो है उसको आप प्रॉपर पकड़ेंगे नहीं सही तरह टाइट करके, तो वो ब्लड जो है वो निकलता नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, हाँ कोई कभी कभार ऐसा भी होता है, बिल्कुल आपकी बात को मैं थोड़ा आगे प्रोसीड कर दूं कि कभी कभी लोगों को हीमोफोबिया होता है, यानी जिस तरह ऊंचाई से डर लगता है या किसी भी चीज़ से डर लगता है किसी किसी को, तो इसी तरह कुछ लोगों को वो फोबिया हो जाता है और उस वक्त वो ब्लड प्रेशर की वजह से, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी उसके जो वेंस है वो फिर सिकुड़ जाते हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो भी फिर ब्लड जो है वो नहीं निकलता। और ये प्रोसेस क्यों होता है, आप लोगों को अगर मेडिकल के बंदे हैं आप लोग तो फिर ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर आप फिर अपने लिए सर्च कर ले इसको समझने के लिए, होमोस्टेसिस एक तरीकाकार है हमारे बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पे होमोस्टेसिस जो है, काइंडली आप अपना ये माइक बंद कर दे उसामा, आप जहाँ भी जा रहे हैं ठीक है, लेकिन माइक बंद कर दे, माइक ऑन करके ये ना बताए हमें कि हमें जा रहा हूँ। ओके तो हीमोस्टेसिस की वजह से जो है वो क्या होता है कि आपको मिसाल के तौर पे अगर सर्दी के मौसम के अंदर आपको कोई आपको फैन गलती से लग जाए तो आपके जो है वो क्या हो जाता है, पूरे जो हेयर्स है बॉडी के ऊपर और स्किन है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अंदर आपका एक रेगुलेटरी प्रोसेस है, उसकी वजह से आपके वैन, आपका स्किन, आपके हेयर उसको जो है वो सिमिलिटी कंटिन्यूसली रेगुलेट होना होता है। तो ये चीज़ें जो है ये कुछ मेडिसिन के साथ और कुछ फिजियोलॉजिकली ये हो सकती है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ ब्लड नहीं आ रहा तो आपने ये नहीं करना कि नहीं अब मैंने कसम खाई हुई है कि इस बंदे से तो मैंने ब्लड निकालना ही निकालना है, नहीं उसको आप मिसाल के तौर पर अगर किसी को फोबिया हुआ है आप उसको बिठा दें, उसको काम करें, अगर उस वक्त वो काम नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डे पर चले जाए, नेक्स्ट डे पर चले जाए, कोई इशू नहीं है। बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है तो फिर उसका अटेंडेंट होगा, ही has the right to permit you, अगर आप उस वो परमिशन देता है तो फिर आप उसे ब्लड ले सकते हैं, अगर वो परमिशन नहीं दे सकता तो यू आर नॉट कैपेबल टू टेक ब्लड फ्रॉम हिम। ओके अच्छा, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड बेसिकली हमारी ये जो बॉडी है ये आपने सुना होगा मैटर के अंदर भी आप लोगों ने कि कलेक्शन ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यूज़ और कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़ इज़ नोन एज ऑर्गन और फिर ऑर्गन कर कर करके जो है पूरे हमारा एक सिस्टम जो है वो बन जाता है। ठीक है तो जो ब्लड है ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि ब्लड हमें मिल रहा है एक लिक्विड फॉर्म के अंदर, एक फ्लूइड फॉर्म के अंदर मिल रहा है और ये एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड है। स्पेशलाइज टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड ये इस वजह से है कि इसके अंदर दो मेन चीज़ें हैं, एक जो है वो आपका फ्लूइड मटेरियल है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड जब हमारे बॉडी के अंदर होता है और हम उस फ्लूइड को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लाज्मा। ठीक है और उसके अंदर सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं जो कि तीन टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, दूसरे को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स और तीसरे को हम कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। अब इस टॉपिक को यहाँ पे समझाने का मकसद क्या है, बेसिकली देखें आपके पास जब आप कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि मेरा सीबीसी कर ले, सीबीसी एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक टेस्ट है। ओके अब आप इसको जाहिरी बात है कि कोई सिरिंज उठाएंगे उसे लेंगे और फिर वहाँ पे आपके सामने कुछ ट्यूब्स रखे हुए होंगे, उसमें से किसी एक ट्यूब के अंदर जो है वो आपने वो ब्लड क्या करना है, पोर करना है। अब उसमें जब आप उस ब्लड को पोर करेंगे जी, तो उसमें जो सीबीसी है वो क्या है, बेसिकली कंप्लीट ब्लड काउंट है और इसको जब आप किसी पेशेंट से ले लेंगे तो फिर आपके सामने जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्यूब्स पड़े रहेंगे। ओके जैसे मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ था आपको कि रेड कैप है, वाइट है, सॉरी ब्लैक है, येलो है, लेवेंडर कलर है या ब्लू है। अब
आपको जब ये सर्टिफिकेट पूरा होगा तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि मैंने सीबीसी का सैंपल जो है वो लेवेंडर कलर के अंदर डालना है। ये मुझे यार एक डिस्टरबेंस जो है वो कौन क्रिएट कर रहा है, हु इज द पर्सन। काइंडली मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो जिसका माइक खुला हुआ है वो काइंडली बंद कर दें। जी शहनाज साहब आप अपना माइक जो है ये, बल्कि मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, कोशिश किया करें कि आप अपने माइक को जो है वो म्यूट किया करें। आप जिस वक्त क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उस वक्त आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, बाकी अगर ऑफ म्यूट रहेगा तो कंसिस्टेंसी रहेगी क्लास के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगी। ठीक है, ओके। बहरहाल सो ये जो प्लाज्मा है, अब ये एक प्लाज्मा ये ब्लड के अंदर जो होता है इसमें आप फ़र्क सीखिए। एक वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर है और उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और उस प्लाज्मा के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट है। ओके, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो क्या निकलता है, हम ये नहीं कहते कि प्लाज्मा निकल आया, हम क्या कहते हैं कि ब्लड निकल आया। अब अगर उस ड्रॉप को आप जो है वो स्लाइड बना ले और माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले तो उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, उसके अंदर आपको सेल्स नज़र आएंगे, वो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट हो सकते हैं, आपको वो नज़र आएंगे, आपको प्लाज्मा कहीं नज़र नहीं आएगा। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है, इसकी एग्जांपल आप समझ लिए। मिसाल के तौर पे मैंने मॉर्निंग में जो है अपने लिए चाय बना ली। ओके, चाय की देगची के अंदर जो है वो मैंने क्या डाला, अगर दूध पत्ती चाय मैं बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने मिल्क डाला, और ये मिल्क जो है बेसिकली ये क्या है, ये प्लाज्मा है। ओके, ये प्लाज्मा है, ये मीडियम है बेसिकली। और उसमें फिर मैंने क्या डाली, चाय की पत्ती डाली, साथ में जो है वो मैंने चीनी डाली, और फिर साथ में जो है वो मैंने इलायची डाला। अच्छा, अब ये अगर ड्राई हो जाएगी, कुछ अर्से के बाद ये ड्राई हो जाएगी, तो आपको उस देगची के अंदर जो है वो नीचे क्या मिलेगा जी, ये मुझे बता दे प्लीज़, कोई एक बंदा बता सकता है एक्सपीरियंस जो चाय बनाता हूँ। अगर ये ड्राई हो जाएगी, ठीक है, तो उसमें से नीचे जो देगची है उसमें मुझे सॉलिड फॉर्म में क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी? सर पत्ती नज़र आएगी ज़्यादातर, तो पत्ती नज़र आएगी ज़्यादातर, तो ठीक, इलायची भी नज़र आएगा। ओके, सो ये जो हमारे पास ये पत्ती नज़र आई जिस तरह एग्जांपल दी इन्होंने, तो एक्चुअली यही चीज़ जो है वो हमारे ब्लड के साथ होती है कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो मीडियम है, जो पानी हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी है, तो वो मीडियम है जो कि सैचुरेटेड है, जिसमें न्यूट्रंट्स है, जिसमें अल्ब्यूमन्स है, जिसमें ग्लोबुलिन्स है, जिसमें आपके सारे के सारे जितने टेस्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स मिल मिला के जो है ये प्लाज्मा बना देता है, जो कि एक विस्कस टाइप का जो है वो एक मटीरियल बन जाता है, और उसी के अंदर जो है आपके रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट है, ये हमारे सेलुलर एलिमेंट्स है। तो ब्लड के मेनली जो है वो टू कंपोनेंट्स है, एक सेलुलर एलिमेंट्स है और एक नॉन सेलुलर एलिमेंट्स है। जो नॉन सेलुलर एलिमेंट है वो है आपका प्लाज्मा, और जो सेलुलर एलिमेंट है यानी जो सेल्स है, ओके, तो वो हमारे पास जो है वो तीन है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है? अगर यहाँ तक कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं बेशक। ओके, सो यहाँ तक इसका मतलब यह है कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको समझ आ चुका है। ओके, यहाँ तक हमने यही पढ़ा कि आपका जो ब्लड है वो बेसिकली दो मटेरियल से बना हुआ है, सेलुलर एलिमेंट्स और नॉन सेलुलर एलिमेंट्स। अब ये करता क्या है, तो पहली चीज़ जो है इसमें ट्रांसपोर्टिंग है, दूसरी जो है इसकी फॉर्मिंग है, तीसरी जो है इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, एंड द फोर्थ वन इज़ इसकी ब्रिंगिंग कैपेसिटी है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रंस टू द लंग्स एंड टिश्यू। ये क्या करता है, हम लंग्स को एयर जब बाहर से हम क्या करते हैं, इनहेल कर देते हैं तो ऑक्सीजन आ जाता है, यहाँ पे जो आपके लंग्स है, लवलाए है, वहाँ पे सेल्स आ जाते हैं, और हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर जितने जो हिस्सा है वहाँ वहाँ तक ये क्या करता है, सप्लाई करता है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कर रहा होता है। ओके, उसके बाद जो है वो दूसरा काम इसका क्या हो सकता है, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस। हमारे बॉडी के अंदर एक तो फिजिकल
कुछ ट्रॉमा हो जाता है बड़ा सा, कुछ छोटे मोटे कट जो है वो लग जाते हैं, किचन के अंदर जो है वो आप जब टमाटर या प्याज जो है वो काट रहे होते हैं तो आपकी उंगली के ऊपर जो है वो कट लग जाता है, कुछ देर के बाद जो है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। तो ये क्यों बंद होता है? बेसिकली ये भी प्लेटलेट की वजह से बंद हो जाता है, और वो प्लेटलेट वहाँ पर आके जो है वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और ब्लड को बाहर निकलने नहीं देते, तो ये हमारे पास जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन का किरदार अदा करता है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है कैरिंग कैपेसिटी, और आपको पता है कि जिस तरह हमारे इदारे काम कर रहे होते हैं, पुलिस काम कर रहे होते हैं, वो चोरों को पकड़ रहे होते हैं, डकैत को पकड़ रहे होते हैं, आर्मी वाले काम कर रहे होते हैं, वो बॉर्डर पे काम ज़्यादातर उनका काम होता है, तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, और वो डिफेंस सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs है। आप लोग देख रहे होंगे कि बाहर जो मुल्क है उसका निज़ाम भी डिफरेंट फोर्सेस पे होता है, मिसाल के तौर पे पुलिस है, आर्मी है, रेंजर्स है, कमांडोज है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 5 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स है, और उन सेल्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये वाइट इसको क्यों कहा जाता है, इसमें ये एक क्वेश्चन होता है, कोई मुझे बता सकेगा कि इनको वाइट ही क्यों कहा जाता है? जी मुझे कोई आंसर दे दे, किसी को नहीं आता नो बता दे, लेकिन ये गायब नहीं होना आप लोगों ने। सर ये वाइट नजर आते हैं सर। जी अतीक कह रहा है ये वाइट नजर आ रहे हैं, ठीक है जी नेक्स्ट। तो और मैं पूरे क्लास में सिर्फ एक बंदा जो है उसको वाइट सेल वाइट नजर आ रहे थे। सईद अनवर आप बता दें। सर अभी सब नो आईडिया। जी इमरान अफजल आप कुछ कह रहे थे। सर इस वक्त याद नहीं आ रहा, वैसे पढ़ा हुआ तो है लेकिन इस वक्त अभी ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा चले कोई और। जी शहनाज साहिबा जी कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि हमने नाम लिए रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के हमने नाम लिए। रेड ब्लड सेल ये ऐसा हुआ था, इसको याद रखिए ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछते हैं ये इस एग्ज़ाम में कि रेड ब्लड सेल रेड इसलिए नज़र आ रहे थे कि स्टार्ट में जब इनको मिला कोई टेस्ट कर रहे थे और स्टार्ट में माइक्रोस्कोप जो है वो ईजाद हुआ, तो वहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास उन्होंने माइक्रोस्कोप के ऊपर एक स्मेयर बनाई, या स्मेयर उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप ब्लड ले लेते हैं और उसके ऊपर छिस्पार कर देते हैं, यानी ब्लड आ जाता है और फिर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो आपके पास जो है वो दो किस्म के सेल्स नज़र आ रहे थे। एक वो थे जो ब्राउनिश नज़र आ रहे थे जिसको हमने कहा रेड ब्लड सेल, तो वो वाकई रेड ब्लड सेल थे, तो साइंटिस्ट ने उनको नाम दिया कि ये तो रेड ही है, तो वो रेड ब्लड सेल बन गए। ठीक है, दूसरे जो सेल्स थे वो ट्रांसपेरेंट सेल नज़र आ रहे थे, वाइट नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा थे ठीक है, कुछ उनके शेप जो थे वो डिफरेंट थे, तो उन्होंने उस वक्त उसका नाम क्या कर दिया, वाइट ब्लड सेल्स रख दिया। ठीक है, अब जब इस दौर के अंदर हम ब्लड सेल्स देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें कोई वाइट सेल नज़र नहीं आता, हकीकत में कोई भी वाइट सेल वहाँ पे नहीं होता, ये याद रखे। ओके, हमारे पास वो पर्पल हो सकता है, वो ऑरेंज कलर का हो सकता है, वो ब्लू कलर का हो सकता है, लेकिन वाइट नज़र नहीं आता, तो ये स्टार्ट से ही इसका एक नाम बन गया है कि ये वाइट ही नज़र आता है, तो इस वजह से हमने इसको क्या कहा कि ये वाइट ब्लड सेल्स है। और मॉडर्न एरा के अंदर हम इसको अब क्या कहते हैं, लीकोसाइट कहते हैं। लीकोसाइट हम वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं और एरिथ्रोसाइट जो है वो हम रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको जी ठीक है, सारे आ गए ना। मुबारक हुसैन साहब आ गया है, ज्वाइन नहीं हो रहा। मुबारक हुसैन साहब ज्वाइन होगा, आपको शायद कोई प्रॉब्लम है, तो बाकी हमारे पास तो यहाँ पे
तकरीबन सारे आ रहे हैं जी। रिदा ने मैसेज किया हुआ है, वो भी आ रही है, ठीक है। अयास शीहल है, पता नहीं कौन है। तो बहरहाल ये आसान सा तरीका है, आप लोग इसमें जितने ज्वाइन हो चुके हैं तो इसका मतलब ही यही है कि आप लोग आ चुके होते हैं। ओके, सो तो ब्लड का जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ऑक्सीजन कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस रिमूव कर देता है, ब्लड क्लॉट फॉर्म कर देता है। कैरिंग में जो है वो आपके फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन करता है। मिसाल के तौर पे ये जो वाइट ब्लड सेल है, अब ये भी मज़ीद जो है वो 5 किस्म के होते हैं, और कौन कौन सा काम होता है किस किस सेल का, तो उसमें से ये कुछ एलर्जीज रिएक्शन जब होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, किसी को अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अंदर भी ये ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोड्यूस टू द किडनीज एंड लीवर विच फिल्टर एंड क्लीन द ब्लड, तो ये बफरिंग सिस्टम के अंदर भी अपना काम जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे होते हैं। तो ये चार जो है ये इसके मेन फंक्शन है, बाकी भी इसके बहुत सारे फंक्शन है लेकिन अभी फिलहाल आप इस चार पे ही इस्तेफादा जो है वो कर लें। ओके, सो ब्लड जो है ये हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। लिक्विड फॉर्म इज ऑफ 55-60% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट आर 40-45%। प्लाज्मा इज द अपर पोर्शन ऑफ ब्लड एंड द लोअर पोर्शन इन अ ट्यूब। जी सर, मुझे स्क्रीन नहीं शो, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सबको हो रही है? जी हो रही है सर। यस सर, हो रही है सर। जी आपने शायद मिनिमाइज, आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या आप मोबाइल पे देख रहे हैं? सर मोबाइल पे। जी फातिमा यासीन आप देख ले, स्क्रीन आपको शो हो जाएगी, एफर्ट करें। ओके, सो ये अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो अब हम थोड़ा सा वो प्लाज्मा और उसके दूसरे पहलू को देखते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि जब ब्लड हमारे जिस्म के अंदर होता है तो वो कितने हिस्सों पे मुश्तमिल, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। अब उस ब्लड को मैंने फिलबॉटमी करके एक ट्यूब के अंदर डाला, एक नॉर्मल ट्यूब के अंदर मैंने डाल लिया, ठीक है। तो जब उसको मैंने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है वो क्या होता है, जो हमारे ब्लेब के अंदर काम कर रहे हैं वो स्टूडेंट ज़रा हाथ उठा ले, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो उस ट्यूब के साथ क्या हो जाता है, वो हमें कैसे नज़र आता है? अलराजी वाला का बच्चा कौन सा है सर? प्लाज्मा जो है वो अलहदा हो जाता है और ब्लड जो है वो नीचे हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर आपको कभी सीरम नजर आया हुआ है? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा सर। जी कियानी साहब सर, येलो ट्यूब है, उसमें सीरम ऊपर होता है, उसमें सीरम नजर आता है। एक्सेलेंट, ठीक है। और उसामा आपको जो है वो प्लाज्मा के साथ जो है कभी सीरम नजर आया है? अच्छा, उसामा जवाब नहीं देना चाह रहा, बहरा। अब ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो जब हम ब्लड अपने बॉडी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम अपने बॉडी के अंदर कभी सीरम का नाम नहीं लेते, ओके। कभी भी हम ये नहीं कहते कि मेरी बॉडी जो है वो कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, वन इज़ सीरम एंड द अदर वन इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट, ये हम नहीं कहते। ये हम कहते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ये क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि हमारी बॉडी, अगर हम इसको एक ट्यूब समझ लें, इमेजिन कर लें कि ये 5 फिट का एक ट्यूब है और उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट है और साथ में प्लाज्मा ही। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुदरत ने ऑलरेडी जो है वो एंटी कोगुलेंट्स जो है वो डाले हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाए तो फिर होता क्या है कि वो एक डिजीज़ बन जाती है जिसको हम DIC कहते हैं, या ब्लड क्लॉट हो जाता है, या हम फिर दवाइयाँ लेते हैं खून पतला करने वाली दवाइयाँ जिसे हम कहते हैं वारफरीन हो गए, या अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उससे हम डर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि इसका ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाए, इसका कोई क्लॉट जो है वो दिमाग में चला जाए और उसका इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, दिल के अंदर जो है प्रॉब्लम हो जाए, किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो जाए। तो उस वजह से हम ब्लड को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और फिर क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा जब हम बॉडी की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त प्लाज्मा से मुराद क्या है? हमारा जेनेरिक
मुराद है, ठीक है। उस वक्त हम बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ है, वो प्लाज्मा है। अब जब हम ब्लड निकाल लेते हैं तो जिस तरह हमारे दो स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, एक ने कहा कि सर ऊपर प्लाज्मा होता है और नीचे जो है वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल नज़र आ रहे होते, उसकी बात भी ठीक थी। दूसरे बच्चे ने कहा कि ऊपर सर सीरम नज़र आता है और नीचे जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट नज़र आता है, उसकी भी बात ठीक थी, दोनों बातें ठीक थी। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब मैं ब्लड लूँ और उस ट्यूब में डाल लूँ कि जिसके अंदर पहले से कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है, कोई भी केमिकल पहले से मिला हुआ नहीं है, और वो केमिकल कौन सा होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, ओके। तो वो एंटी कोगुलेंट अगर उसमें मिला हुआ नहीं है उस ट्यूब के अंदर, मिसाल के तौर पे कौन सी ट्यूब के अंदर, जैसे उसने मिसाल दी थी कौन सी ट्यूब की, येलो ट्यूब की, तो इसको मैं जब सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो ऊपर जब हमारे पास पोर्शन आएगा वो होगा सीरम, और नीचे जो होगा उसके वो बफीकोट होता है, जिसको हम डिनाई कर देते हैं, कुछ डिस्कशन नहीं करते उसके, वो बफीकोट होता है। इट्स अ लेयर ऑफ लीकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट, यानी प्लेटलेट और वाइट ब्लड सेल का ये एक कंबाइंड लेयर होता है, और बियॉन्ड दैट जो है वो हमारे पास एरिथ्रोसाइट होते हैं। तो तीन लेयर बेसिकली बनते हैं, लेकिन हमें नज़र जो है वो बेसिकली दो ही आते हैं, एक वाटर और दूसरा जो है वो फॉर्म रेड सेल्स आते हैं। तो जिस ट्यूब के अंदर आपके पास केमिकल नहीं है, यानी कौन सा केमिकल, एंटीकोगुलेंट नहीं है, तो उस वक्त जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ऊपर सीरम है और नीचे क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है। अच्छा, अब यही चीज़ जो है वो हम किसी और ट्यूब के लिए देखते हैं। मिसाल के तौर पे एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या कोई टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। अब इसमें मैंने ब्लड लिया और इसका कैप जो होता है वो क्या होता है, वो लाइट ब्लू कलर का एक टॉप का एक कैप होता है, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूज किया। अब ऊपर फिर दो लेयर आ गए, ठीक है, एक जो है वो हमारे पास वाटर लेयर आ गया और नीचे जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट आ गया। नीचे जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे वो तो आपको रेड नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो वो अब प्लाज्मा कहलाएगा। अब प्लाज्मा क्यों कहलाएगा, क्योंकि इस बॉटल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर पहले से कोई केमिकल मिला हुआ था, और उस केमिकल का नाम जो था वो क्या था, हमारे पास सोडियम साइट्रेट था, और इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट। सो एंटी कोगुलेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच इनहैबिट्स द फिनोमेना ऑफ कोगुलेशन, यानी एंटी कोगुलेंट का काम क्या है, इसके नाम से भी आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर जो कोगुलेशन की एक्टिविटी है वो इसको क्या करता है, वो इसका एंटी होता है, दोनों को मिलाता नहीं है, क्योंकि ये सेल जो है ये प्लेटलेट जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये आपस में बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जब चिपक जाते हैं दैट चिपकना इज नोन एज कोगुलेशन। और हमने जब प्लाज्मा बनाना होता है तो हम उसके बीच में जो है वो क्या हो क्या आ जाते हैं, उसको हमने तोड़ना होता है, तो उस वजह से हम वहाँ पे क्या डाल लेते हैं, एंटी कोगुलेंट डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया कि प्लाज्मा की जब हम बात करेंगे तो उसको हम दो पर्सपेक्टिव के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, एक पर्सपेक्टिव इसका होगा जेनेरिक, दूसरा पर्सपेक्टिव उसका होगा इनविट्रो। इनविट्रो क्या हो गया, यानी ट्यूब के अंदर, यानी लैब के अंदर बाहर जब हम डिस्कस कर रहे हैं। जी सर, ये जो सोडियम साइट्रेट ट्यूब है इसमें हम सैंपल लेते हैं तो इसके बाद ब्लड फौरन से क्लॉट होते हैं, सर इसका कुछ बता दें। सोडियम साइट्रेट में जब हम ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, ओके। उसके अंदर ब्लड क्लॉट कहाँ पे होता है, आप ने प्रैक्टिस किया हुआ है? जी जी, मैं बाजों का सैंपल लेता हूँ ना, तो सोडियम साइट्रेट में जब सैंपल डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा वैक्यूम का भी इशू होता है, और उसके बाद जब अच्छा। उसको ले लेते हैं सही से मिक्स करें तब भी उसमें क्लॉट आता है काफ़ी बड़ा सा। अच्छा, इस तरह है कि आपने फिर, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो है आपके पास टेक्निकल होते हैं और वो टेक्निकल एरर्स जो है आपके पास आते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप जिस कंपनी से ट्यूब मंगवा रहे हैं प्रॉबेबली ठीक है, उस ट्यूब के फिर उसमें इशू होगा, या आप उसका टेम्परेचर सही नहीं रख रहे, ओके, या बहुत हीट के अंदर आ रहा है, जो आपको कस्टमर जो आपको वेंडर जो है वो दे के ले के आ रहा है वो कहीं पर प्रॉब्लम कर रहा है, वो शायद बाइक पर आ रहा है और शदीद गर्मी के अंदर जो है वो ट्यूब के अंदर, क्योंकि एक क्लॉट है एक केमिकल है वो ड्राई हो सकता है, जब वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आप उसके अंदर डाल लें लेकिन वो काम नहीं करेगा, तो वो जब काम नहीं करेगा तो उस वजह से आपके पास जो है वो क्लॉट बन रहा है, और ये बड़ा इशू है। आपने करना क्या है, इसकी QC आपने चेक करनी है, आपने ये करना है कि आपने ये महीने में आपके पास कितनी दफ़ा होता है,
तकरीबन 3 से 4 पेशेंट का हुआ है इस तरह, यानी 50-100 के वायल के अंदर एक सेट जो है हमारे पास 100 का होता है, तो 100 के अंदर जो है वो आपके पास 4 या 5 के साथ होता है, तो ये ठीक बात नहीं है। ओके, आप अपने साथ जो है वो एक अच्छी कंपनी के वो मंगवा लें, यही ESR आप अपने सुपरवाइज़र को, या अगर आप खुद सुपरवाइज़र है तो खुद कर लें ये काम कि आपने उसी तरह सेम जो ट्यूब्स है वो आप मंगवा लें, और जब आप टेस्ट करेंगे तो उस बैच को दो, यानी आप किसी का एक सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल एक होगा लेकिन आपने उसको दो ट्यूब्स के अंदर डालना होगा। अगर दूसरे कंपनी का भी ऐसा आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जो है वो आपके पहले वाले ट्यूब के अंदर है, आपकी कंपनी जो है वो आपको सही तरह ट्यूब जो है वो नहीं दे रही। अगर वो दे भी रही है तो फिर आपने देखना है कि इसका टेम्परेचर, इसके लाने की लाने का तरीका, या वहाँ से जब ये निकलता है, कंपनी से जब ये निकलता है तो वो किस तरीके के साथ ये अंदर आ जाता है, जब ये अंदर आ जाता है तो आप इसको प्रॉपर टेम्परेचर के साथ रख रहे हैं या नहीं रख रहे, या तीसरी चीज़ है कि कभी कभार जो फिलबॉटमिस्ट होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, उनके हाथ में जो है वो ट्यूब उठाते हैं और ऐसे उसका ढक्कन खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, वो यहाँ पर रख रहे होते हैं, तो कभी कभार ये जो वैक्यूम है वो उसकी वजह से भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर जो है वो आपको एक चेक रखने की ज़रूरत होगी, और वो चेक जब आप रखेंगे तो आपके पास ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी ऑन उस पर ग्राउंड बेसिस के ऊपर सोडियम साइट्रेट जो है वो एंटीकॉगुलेंट है जो कि ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जब भी सोडियम साइट्रेट होगा वो ब्लड क्लॉट नहीं होता, जब भी EDTA होगा ब्लड को क्लॉट नहीं होना चाहिए, जब भी होगा इसका मतलब ये है कि कोई टेक्निकल एरर जो है वो आपके पास आ रहा है। ओके, सो यहाँ तक आप समझ गए, कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं आप। ओके सर, स्टार्ट जी सेल के बारे में बताया सर, और वाइट सेल और जो है ना रेड ब्लड सेल, और इसके उनका तो नाम का कंफर्म हो, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स क्यों? अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट इसको जरा हम एक्सेप्ट कर लें जी। अच्छा, यहाँ पे अब ये आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब हमारे पास जो है वो होल ब्लड, एक नया वर्ड आया होल ब्लड का। ठीक है, होल ब्लड वो ब्लड होता है जब आप किसी के वेन से डायरेक्ट ब्लड जो सिरिंज के अंदर आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर जो है वो आ जाता है आपके सिरिंज के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो होल ब्लड है। होल ब्लड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सेल्स वो मौजूद है, सारे के सारे केमिकल मौजूद है, प्लेटलेट्स मौजूद है, और एरिथ्रोसाइट्स मौजूद है, लीकोसाइट्स मौजूद है, तो उसकी वजह से जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये कौन सा ब्लड है, ये होल ब्लड है, यानी कंबाइंड ब्लड जो है वो सारा जो है वो कुछ आ रहा है, जो इंसान के रगों के अंदर जो कुछ दौड़ रहा था वो सारा का सारा जो है वो कहाँ पे आ गया, सिरिंज के अंदर, और सिरिंज के अंदर से जाके जो है ये जाएगा डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर हो जाएगा। अब दो फॉर्म मैंने पहले बताए कि कौन कौन से है, एक जो है वो हमारे पास प्लाज्मा था, दूसरा हमारे पास कौन सा था, फॉर्म्ड एलिमेंट था। फॉर्म्ड एलिमेंट पे बात कर लेते हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे था, तो इसी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसको WBCs को हम क्या कहते थे, वहाँ पे WBCs यानी वाइट ब्लड सेल कहते थे। अब इसका नया जो नाम है, या लोग इसको अब भी वाइट ब्लड सेल कहते हैं, लेकिन जब लीकोसाइट कहते हैं तब भी हमें समझ आ जाता है, तो लीकोसाइट्स जो है वो फिर मजीद दो किस्म के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक को हम कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं एग्रैनुलोसाइट्स। ओके, ये जो ग्रैनुलोसाइट है और एग्रैनुलोसाइट है, ये कोई ऐसा सेल नहीं है कि आप कोई सेल कहेंगे कि ये ग्रैनुलोसाइट मुझे नज़र आ रहा है। आप जब कहेंगे कि ग्रैनुलोसाइट मुझे नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई 3 सेल नज़र आ रहे हैं, जो कि न्यूट्रोफिल भी हो सकता है, जो कि ईजिनोफिल भी हो सकता है, या जो कि बेसोफिल भी हो सकता है। इनको ग्रैनुलोसाइट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है। एग्रैनुलोसाइट जो है वो कौन से सेल होते हैं? इसको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है, ये दो किस्म के सेल्स हैं, इनके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल है, ये जब आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं,
ये फिर आगे मैं आपको और भी बता दूंगा। अच्छा, दूसरा जो है वो रेड ब्लड सेल की हमने बात की थी, तो रेड ब्लड सेल हमारे पास जो है वो, उसको हम नया नाम जो है वो क्या कहते हैं, एरेथ्रोसाइट कहते हैं। एरेथ्रो जो है वो रेड सेल्स के लिए यूज़ होता है, एरेथ्रो मीन रेड, और साइट जो है वो सेल को कहते हैं, लीको मीन वाइट, और साइट जो है वो सेल को कहते हैं, ग्रेन्युलो मीन ग्रेन्यूल्स, और साइट जो है वो किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये सेल जो है वो बन गए, फिर एरेथ्रोसाइट जो है वो रेड ब्लड सेल बन गया। अब प्लेटलेट्स जो है उसकी कहानी सुन ले, अब बच्चे ने सवाल भी किया, ठीक है। प्लेटलेट्स बेसिकली, ये अगर हम टेक्निकल उस पे चले जाए तो प्लेटलेट कोई सेल नहीं है। जी जी, आप पूछ लीजिए। चले सर, ये जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा HbCp के अंदर, ये कम किस तरह हो सकता है सर? अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ पे कोई चैट वो है, हम चैट कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब आप मुझे सेंड कर सकते हैं ये क्वेश्चन? ये बिल्कुल है, ठीक है, शो नहीं हो रहा चैट ऊपर। हाँ है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रॉप योर क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस हियर, क्वेश्चंस है, ठीक है। ये मैंने चैट भी खोल लिया है, तो चैट का फ़ायदा ये होगा, जैसे अभी आपका क्वेश्चन है तो आई थिंक ये थोड़ा सा इस टॉपिक से हट जाएगा, मैं इसको बता दूंगा, तो एंड पे जो है वो हम इस क्वेश्चन को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। और अभी जो दूसरे बच्चे का क्वेश्चन था वो तकरीबन मेरे ख्याल में अब यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, और आप अपना क्वेश्चन जो है वो इसमें ड्रॉप कर दें, आगे मैं बता भी दूंगा। ओके, प्लेटलेट्स जो है ये आपको मैं बता रहा था कि प्लेटलेट्स को हम कहते तो सेल है, लेकिन हकीकत में ये सेल नहीं है। बेसिकली इसका जो एंसेस्टर सेल्स है, आपको पता होना चाहिए, अब आगे मैं बता भी दूंगा कि जब ब्लड बनता है तो ब्लड हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है। मिसाल के तौर पे आपका फीमर हो गया, आपका स्कल हो गया, आपके रिब्स हो गए, इस तरह के हड्डियों के अंदर जो है अंदर गूदा होता है, और उस गूदे को हम मैरो कहते हैं, और उस मैरो के अंदर जो है वो रेड मैरो होता है, एंड दैट रेड मैरो इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ऑल दिस टाइप ऑफ सेल। ओके, तो उसमें से एक जो सेल है वो प्लेटलेट है। अब इस प्लेटलेट सेल के जो एंसेस्टर सेल होता है, जो कि उसका मेन सेल होता है, जिस तरह हम मिसाल के तौर पे कभी हम कोई फसल उगाते हैं ना, तो उसके लिए एक दाना हम ज़मीन के अंदर बो देते हैं, और एट दैट दाना इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टन दानेज। ओके, तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं, और उस स्टेम सेल्स से जो है आगे जाके ये चीज़ें जो है वो बनती है, जितने सेल्स हैं हमारी हड्डियों के सेल्स हो गए, हमारे लीवर सेल्स हो गए, हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हो गए, डिफरेंट नाम्स हैं उसको। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि आपका फिर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत मदद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेल है प्लेटलेट के लिए उसको हम कहते हैं मेगा कैरोसाइट। ओके, ये मेगा कैरोसाइट जो है ये डिफरेंट क्या कहते हैं उसको, कि इसके अंदर तगयुरात आती है, इसके अंदर चेंजेस आ जाती है। पहले ये बहुत बड़ा सेल होता है, फिर उसके बाद ये छोटा होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, फिर उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म हो जाता है, और जैसे ही साइटोप्लाज्म होता है तो अंगूर आपने देखे हैं कि जब वो उसमें होते हैं, अपने झाड़ के अंदर होते हैं, तो वो छोटे 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 जो है वो एक एक दाना होता है। तो बेसिकली ये उसका साइटोप्लाज्म जो है उसको क्या करता है, वो शेड करता है, इसको क्या कहते हैं, शेडिंग बोलते हैं। तो ये प्लेटलेट्स बेसिकली उसके साइटोप्लाज्म से निकले हुए छोटे छोटे से क्या है, फ्रेगमेंट्स है, और इस फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इस जबान के अंदर हम उसको कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स से पहले जो है वो हमारे प्रोप्लेटलेट्स होते हैं, तो ये उसकी वजह से हम इसको क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो बेसिकली प्लेटलेट्स के माने ही क्या है, फ्रेगमेंट्स के है, ठीक है, समझ गए आप? ओके सर। ओके, सो ये जो फ्रेगमेंट्स है, जी ये इसको रिपीट कर देंगे, जितने भी सेल्स है वो प्रॉपर जो है वो उनकी एक फॉर्मेशन होती है, और वो जब फॉर्म्ड होते हैं तो उनके फॉर्मेशन से, जिस तरह इंसान है, इंसान जब बच्चा होता है तो वो छोटा होता है, फिर बढ़ता जाता है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, सेम जो है वो हमारे सेल्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो जब बच्चे होते हैं, यानी एक दिन का होता है तो वो बड़ा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो किसी काम के लिए बन रहा होता है, वो उसका न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और फिर जैसे
प्लेटलेट की मिसाल में दे दी, तो उसके साइटोप्लाज्म से, मेगा कैरोसाइट के साइटोप्लाज्म से वो एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं डीमार्केशन मेम्ब्रेन सिस्टम, उससे प्रोप्लेटलेट्स बन जाते हैं और वो शेड हो जाते हैं। वो शेडिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, वो प्लेटलेट्स होते हैं। और ये प्लेटलेट्स जो है ये सेल्स बेसिकली नहीं है, हम इसको बोलते तो सेल्स है लेकिन ये सेल्स के ऊपर जो है वो सही तरह नहीं होते। बाकी अगर आप प्लेटलेट्स को केमिकली देख ले तो ये बहुत बड़ा काम करते हैं हेमेटोलॉजी के अंदर, इस पर हम काफ़ी डिस्कस करते हैं, पूरा एक मॉड्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ लें कि ये क्या है, ये बेसिकली फ्रेगमेंट्स है, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स है। किस चीज़ के फ्रेगमेंट्स है, मेगा कैरोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल है जी। जी सर, ये हमारे पास कई इस तरह के पेशेंट आते हैं कि जिनके 95 प्लेटलेट्स हों, तो कईयों के इससे भी कम होते हैं, तो ये प्लेटलेट्स किस तरह डाउन होते हैं सर? अच्छा, प्लेटलेट्स के डाउन होने को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। ठीक है, क्या आप कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी आपके प्लेटलेट्स एक खास मिकदार से कम हो रहे हैं, एंड दैट खास मिकदार इज 1,50,000 से 4,50,000 तक नॉर्मल होते हैं। तो जब भी हमारे पास 1,50,000 पर माइक्रोलीटर से प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है, इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। मिसाल के तौर पे डेंगी फीवर के अंदर आपके प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आपका बोन मैरो जो है वो सप्रेस्ड हो जाता है, प्लेटलेट्स का जो बनना था वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। क्यों रिड्यूस्ड हो जाता है, क्योंकि सर्टन एंटीजेंस आ जाते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं और उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस वजह से ये कम हो जाते हैं। एक तो ये पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह और जो पैथोलॉजिकल है उसमें से आपके इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरस आ गए, प्लेटलेट डिजीज आ गए, साथ में जो है वो आपके अगर ब्लीडिंग हो जाती है उसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, साथ में अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसके ऊपर लिखा होता है, उसका लिटरेचर आप पढ़ लें तो उसमें लिखा होता है कि यार प्रेग्नेंट वुमेन इसको यूज़ ना करें, और अगर आप यूज़ करेंगे तो देयर पॉसिबिलिटी टू फॉर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो उसमें वो जो केमिकल होता है वो भी इसके फॉर्मेशन को क्या करना शुरू कर देता है, इनहिबिट करना शुरू कर देता है। कभी कभार जो है ये एटियोलॉजिकल होते हैं, कभी कभार इवन जेनेटिकल भी होते हैं, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के अंदर भी प्लेटलेट जो है वो कम हो रहे होते हैं। तो जब भी हमारे पास प्लेटलेट कम होते हैं तो उनमें से कोई ना कोई वजह जो है, कोई ना कोई कॉज जो है, कोई ना कोई एटियोलॉजी जो है वो हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ये, मुझे इस पे कौन जो है वो मोहसिन मसीह और जी, आप लोग तो यहाँ पे ऑनलाइन हो रहे हैं बेटा, मैं तो आप लोगों की क्लास जो है वो ले रहा हूँ टीम के ऊपर। मुबारक हुसैन साहब, और दूसरा कौन है सर? नहीं हो रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया इधर से कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ समझ नहीं है, देखिए इसका इसको आपने प्रैक्टिस करनी है ना, आप प्रैक्टिस करते रहे ये तो फिर, क्योंकि टाइम भी जाया होगा। और बाकी हमारे पास माशाल्लाह आज तो बहुत अच्छी तादाद है, बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन है। आपने क्या किया है, आपको जो लिंक शेयर किया हुआ है अभी स्टार्ट में ही, उसको आप क्लिक करें, डाउनलोड कर ले आप टीम को, और उसके बाद आप उस पर क्लिक कर ले, फिर आप आगे जाए और आप जो है वो उसको पालेंगे, हमें पालेंगे उसमें टीम में। ठीक है, तो कोशिश करते रहे, आपका आज आपका टास्क यही है कि आपने हर हाल में इस क्लास में जो है वो आना है। ठीक है, मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, आपका टास्क यही है। ओके, नहीं आया तो चले मैं आपको दोबारा लेक्चर जो है वो सेंड कर दूंगा, लेकिन टास्क आपका यही है, तब आपको मैं प्रेजेंट लगाऊंगा जब तक आप इस टीम में आएंगे, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे चले जाए, सीख ले कि टीम में कैसे जो है वो इंस्टॉल करते हैं और कैसे आते हैं। जल्दी करें। ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो कंबाइन कॉल की थी, और बहरहाल उनको अभी तक तरीका नहीं आ रहा होगा। ओके, सो एक जो है वो हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में हमने बात की, और उसमें आपने प्लेटलेट्स के बारे में भी सुना कि प्लेटलेट्स जो है उसको हम टिपिकली जो है वो सेल्स तो नहीं कहते, लेकिन ये है कि फिर भी ये सेल्स है। सेल्स क्यों नहीं कहते, उसकी भी मैंने आपको वजह बता दी कि क्योंकि ये बेसिकली साइटोप्लाज्म की शेडिंग है, उस वजह से नहीं कहते। अब दूसरा तरफ जो है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आप अब लैब में जो है वो कौन कौन काम करता है, हाथ उठा ले ज़रा जी। मुबारक हुसैन आ गया, देखें
मुबारक हुसैन साहब आप आ गए। वीडियो ऑन कर सके? वीडियो अगर आप अपनी ऑन करना चाह रहे हैं तो ठीक है, बाकी हमें आपको देखने का कोई शौक नहीं है, आप अपनी पिक्चर भेज सकते हैं। ऑफ रखे तो ठीक है, आपकी जो है वो डेटा ज़ाया नहीं होगा। हाँ वीडियो बंद कर दो, ठीक है, खूबसूरत इंसान हो माशाल्लाह। ठीक है, सही है, हाँ ऐसे ठीक है। ओके सो जी मैंने आपसे पूछा कि कौन कौन जो है वो लैब में काम करता है और क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। मुबारक, हाँ बिल्कुल जी, हाथ उठा ले ज़रा, लैब में कौन कौन काम करता है, कोई भी काम नहीं करता, पहले सारे बोल रहे थे हम सारे कर रहे हैं। सर आपने प्लाज्मा के बारे में पूछना था ना? जी 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 ठीक, लैब में कौन काम करता है ये मुझे बता दें। मैंने कर दिया सर लैब। अच्छा फिल्म, मेरा मतलब है हेल्थ केयर, सॉरी मैं लैब का वर्ड यूज कर रहा हूँ, यानी फिलबॉटमी कौन करता है या हेल्थ केयर में कौन काम करता है? जी अच्छा शहनाज साहिबा हमारे पास न्यू ऑन बोर्ड है, ठीक है, ये नई स्टूडेंट है माशाल्लाह, एक्सपीरियंस स्टूडेंट है। तो शहनाज साहिबा ये मुझे बताइए कि आप कुछ टेस्ट के नाम बता सकते हैं? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ALT है, अच्छा क्रिएटिनिन है, HCBC है, अच्छा HbA1c है, ठीक है, और इसके अलावा B12 है, विटामिन B12 है, B12 फोलेट है, यूरिक एसिड है, और हार्मोन्स के कुछ बता दें, TSH है, TSH है, ठीक है, FT3 है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके अब ये जो शहनाज साहिबा है इसने जितने टेस्ट के नाम लिए CBC को निकाल के और HbA1c को निकाल के, क्योंकि CBC और HbA1c हम किस चेक करते हैं, होल ब्लड से करते हैं, ओके उसको हम होल ब्लड से जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसको तो हटा दे, वो तो हमने समझ लिया। ओके प्लाज्मा में इन्होंने कहा यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड के लिए क्या चाहिए आपको? आपको सीरम चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्लाज्मा के अंदर जो था, जो बॉडी से निकली हुई है उसके अंदर यूरिक एसिड पहले से मौजूद था, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अगर है कोई तो इसका मतलब ये है कि वो उस प्लाज्मा के अंदर उसका कुछ तादाद जो है, उसकी कुछ मकदार जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसी तरह अगर TSH जो है वो हम इसने जिक्र किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FT3 का इन्होंने जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि वो भी प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। इस तरह इन्होंने विटामिन B12 का जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो जितने जहान के टेस्ट है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज हो गया, रैंडम ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, HDL हो गया, LDL हो गया, SGPT हो गया, SGOT हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये जितने भी टेस्ट है, हार्मोन्स हो गए, कैल्शियम हो गया, ये जितने भी टेस्ट है ये सारे के सारे कहाँ से हो रहे हैं? ब्लड से हो रहे हैं। और ब्लड में कौन से पार्ट से हो रहे हैं? उस प्लाज्मा वाले पार्ट से हो रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म है। अब वो मैंने आपको बता दिया कि वो कब जो है वो सीरम बनता है और कब उसको प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन जितने केमिकल्स के टेस्ट होते हैं, केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, ऑब्वियसली अक्सरियत में जो है उनको हम किससे परफॉर्म करते हैं, उसको हम जो है वो आपके सीरम से ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बॉडी के अंदर, अमाइनो एसिड्स इसके अंदर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, मिसाल के तौर पे सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होते हैं, गैसेस होते हैं इसके अंदर, जैसे गैसेस के लिए आपने क्या कर टेस्ट करना होता है, ABGs करने होते हैं, ठीक है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस करने होते हैं, आपने वैन को जो है छोड़ के जो मोटी वाली वैन की तरह होती है और आपने जो है उससे ब्लड लेना होता है, तो उसमें आप बेसिकली क्या देख रहे होते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस देख रहे होते हैं, प्रोटीन्स जो है ये इसके अंदर होते हैं, जिसमें से आपने ये टेस्ट भी देखे होंगे, अल्ब्यूमन हो गए, फाइब्रिनोजेंस हो गए, ग्लोबुलिंस हो गए। तो जितने सारी चीज़ें इस कायनात के अंदर अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर रखी हुई है केमिकली, वो सारा का सारा जो है वो आपके प्लाज्मा वाले पोर्शन से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हज़ारों हज़ारों टेस्ट होंगे, वो आप जिस भी टेस्ट का नाम लेंगे सिवाय बायोप्सीज और नॉन ब्लड सैंपल के, वो सारे टेस्ट जो है वो आपको आराम से जो है यहाँ से होके मिलेंगे, और छोटा माइन्यूट सा जो है वो आप इसकी मकदार लें तो उसमें भी वो जितने टेस्ट है जो इन्होंने जिक्र किया और जो अभी मैंने डिस्कस किए, तो ये सारे के सारे उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है होल ब्लड. सो होल ब्लड क्या है कि द ब्लड दैट रन्स थ्रू द वेन्स आर्टरीज एंड कैपिलरीज इज नोन एज होल ब्लड. वो ब्लड जो आपके वेन आर्टरी कैपिलरीज से होके पूरा सर्कुलेशन करता है उस ब्लड को हम जो है वो क्या कहते हैं, होल ब्लड कहते हैं. मेनली हमारा काम जो है वो वेन से होता है, बहुत कम काम जो है वो हमारा आर्टरीज से होता है और कैपिलरीज से हम कभी इतना ज़्यादा ब्लड जो है वो कभी भी हम नहीं लेते, लेकिन हम जो है वो ज़्यादातर जो है वो किससे लेते हैं, वेन से लेते हैं. तो आपके बॉडी के अंदर जो जाल बिछी हुई है सर्कुलेशन के लिए, जो नेटवर्क है वो भी इन तीन से ही बना हुआ है, वेन है, आर्टरीज है और कैपिलरीज है. ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 55% प्लाज्मा एंड 45% ऑफ ब्लड सेल्स. और ये जो है वो आपके बेसिकली 55% जो है वो आपका प्लाज्मा है और 45% आपकी क्या है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. आपकी जो पूरी बॉडी का मास है, पूरे बॉडी का वेट है, उसमें से आपके मिसाल के तौर पे अगर कोई एक इंसान है जो कि 5 फीट का है तो उसके अंदर जो है वो 5 लीटर जो है वो ब्लड होगा. और ब्लड को जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप एक बोतल ब्लड डोनेट करते हैं, जनरली हम यही कहते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, 1 पिंट ऑफ ब्लड कहते हैं. तकरीबन 450 ml से लेके 500 ml तक जो है वो ब्लड होता है और इसको हम क्या कहते हैं, 1 पिंट. तो एक आम इंसान के अंदर जो कि एवरेज साइज मैन होता है तो उसके अंदर 12 पिंट्स ऑफ ब्लड होते हैं. तो 12 पिंट्स ब्लड का मतलब ये है कि उसके अंदर कितना ब्लड होता है, तकरीबन 6 लीटर ब्लड होता है. और जो खातून होती है, जो एवरेज वोमेन साइज होती है, साइज वोमेन होती है, उसके अंदर जो है वो तकरीबन 9 to 10 पिंट्स जो है वो ब्लड होता है. ठीक है, ये होल ब्लड के हवाले से जो है कुछ बातें थी. अब ये कंपोनेंट्स ऑफ होल ब्लड के आप देख ले तो हमने पहले बताया, वो बताने का मकसद यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि जो ब्लड है वो सिर्फ ब्लड नहीं है बल्कि ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. और अब उनको जब हम लेते हैं फिलबॉटमी सेक्शन के अंदर, तो पहले आपने क्या किया, यहाँ पर ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है कि इसके वेन से जो है वो हमने ब्लड लिया. ओके, इसको हमने किसी सर्टन ट्यूब के अंदर डाला. ओके, फिर उसके बाद हमने ये यहाँ पे लेके आए और इसको एक मशीन होता है जो कि इसको घुमाता रहता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन इसको कहते हैं. तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू जो है वो हमने इसको प्रॉपर टाइम के लिए रखा, इसने उसको सेंट्रीफ्यूज किया. उसके बाद जब आप ब्लड को निकाल लेंगे यानी उस ट्यूब के निकाल लेंगे तो आपके पास उसमें ऊपर जो है ये प्लाज्मा होगा और नीचे जो है ये एरिथ्रोसाइट होगा. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो मैं लाजिम करना चाहूँगा. जी रिदा है, रिदा निगर, जी इन्होंने मोबाइल रखा हुआ है और ये गायब है. ठीक है, दूसरी जो है वो हमारे पास हिना है, हिना किरण. ओके, इन्होंने हाँ है. अच्छा जी हिना, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर आपको ट्यूब नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रही है. ओके, तो ट्यूब जो आपको नजर आ रही है तो ये मुझे बता दे कि ये जो ऊपर है ये कौन सा पोर्शन है? सर ये प्लाज्मा है. ये प्लाज्मा है, वेरी गुड. ठीक है, अच्छा इसको आपने प्लाज्मा क्यों कहा? क्योंकि सर इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसमें वाइट ब्लड सेल है तो उसकी वजह से प्लाज्मा कहेंगे हम, ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं कहा. प्लाज्मा की मैंने डेफिनेशन कुछ कही थी कि देखे याद रहे सारे सुन ले कि इसमें अब मैंने जिक्र नहीं किया ना कि ये ट्यूब जो है वो कौन सी थी. यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्लाज्मा है और नीचे जो है ये बफी कोड है और नीचे उसके जो है वो एरिथ्रोसाइट है. इस ट्यूब के अंदर पहले से कुछ केमिकल जो है वो डाला हुआ था और उस केमिकल का नाम क्या है ये आप मुझे बता दें. कोई केमिकल जो था उसको हम जेनेरिक जो है वो क्या नाम देते हैं? एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट देते हैं. ठीक है,
एंटी कोगुलेंट कहते हैं। इस वजह से देखिए, आपको अब पता नहीं है लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा का मतलब ऑलरेडी यही बन गया, ठीक है, कि इस ट्यूब के अंदर जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया और ऊपर हमारे पास प्लाज्मा आया, तो ऑब्वियसली इट्स मीन के देयर वॉज अ केमिकल विच आर ऑलरेडी पुट इट इन दैट ट्यूब, ओके। और उस ट्यूब को हम जो है वो क्या, उस केमिकल को हम क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे ये सीरम होता, अगर यहाँ पे ये सीरम होता तो फिर इसका मतलब क्या होता? जी सर, इसमें एंटी कोगुलेंट ऐड नहीं था, उसमें एंटी कोगुलेंट ऐड, एक्सेलेंट, ठीक है, सिंपल बात हो गई। जिसमें एंटी कोगुलेंट ऐड है, हमने उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया, ऊपर जो मटेरियल आएगा, ऊपर जो पानी आएगा, ऊपर जो फ्लूइड नजर आएगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लाज्मा। जिसमें एंटी कोगुलेंट ऐड नहीं था, उस वो क्या कहलाएगा? वो हमारे पास सीरम कहलाएगा। वाइट ब्लड सेल की जो बात की आपने, वो बफीकोट है। बफीकोट को आप स्किप किया करें, बफीकोट का जिक्र ज़्यादा नहीं किया करें, बफीकोट का यहाँ पे कोई तबसरा ही नहीं किया करें। ये तो एक लेयर बन जाता है, ठीक है, एक डस्ट लेयर बन जाता है जो कि लेस देन 1% होता है। तो WBCs को जो है बीच में ना लाए, WBCs तो एक अलग कहानी है, वो तो हम CBC में डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा का मतलब यही है कि ऊपर जो है वो उसमें एंटी कोगुलेंट ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया है और उम्मीद है यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह जो है वो समझे होंगे। तो यहाँ तक आपने, जी सर, ये मैं समझ रहा था एंटी कोगुलेंट डालते हैं कि ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ना हो। जी सर, आपके क्वेश्चन सुन लिया सर। जी आप बता रहे थे या पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि ये एंटी कोगुलेंट, मैं ये समझ रहा था कि इसलिए डालते हैं कि ना ब्लड में क्लॉटिंग ना हो। जी तो हम भी यही कह रहे हैं। अच्छा अभी, लेकिन आपने कहा सेंट्रीफ्यूज के बाद अगर वो नहीं होगा तो वो स्प्लिट नहीं होगा प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट में। देखिए ना, आपके पास ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, आपके पास, मुझे कुछ ट्यूब्स के नाम बता दे, आप खुद बता दे मुझे ट्यूब्स के नाम बता दे। सर ट्यूब्स ना सर कुछ ब्लू थी और कुछ गोल्डन कलर में थी और कुछ नेवी ब्लू इस कलर में, डिफरेंट। ठीक है, ओके। अच्छा आप, वो गोल्डन कलर नहीं होता, वो येलो कलर होता है, आप वो येलो कलर उठा ले और फिर आप जो है वो ब्लू कलर का उठा लें। अब जो ब्लू कलर का है उसको बेसिकली हम कहते हैं लेवेंडर कलर। क्या कहते हैं उसको? लेवेंडर कलर। ये जो लेवेंडर कलर होता है इसके अंदर एक एंटी कोगुलेंट होता है जिसको हम कहते हैं EDTA, यानी इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि लेवेंडर कलर के ब्लड के ट्यूब के अंदर आपके पास एक केमिकल है एंटी कोगुलेंट जिसका नाम क्या है? EDTA है, ओके। अब आपने इस ट्यूब के अंदर ब्लड जब डाल दिया तो ये ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, ये ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर एंटी कोगुलेंट पहले से मौजूद है, और एंटी कोगुलेंट जो है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ना, ये कैल्शियम जो है ये बेसिकली आपका एंटी कोगुल, ये बेसिकली आपका कोगुलेशन फैक्टर है, तो वो उसको किलेट कर देगा, यानी वो उसको हड़प कर लेगा, उसके साथ बाउंड बना लेगा। जब उसके साथ बाउंड बना लेगा तो वो क्लॉट ब्लड जो है वो क्लॉट होने नहीं देगा। तो इस वजह से वो ब्लड आपका किस फॉर्म में होता है, वो आप कल भी कर ले, परसों भी कर ले, 3 दिन बाद कर ले, एक हफ्ते बाद कर ले, वो ब्लड ब्लड ही रहेगा, फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसके बरक्स आप अब गोल्डन कलर, या आपने जो कहा गोल्डन ना, तो वही वो येलो कलर होता है, और वो बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री के टेस्टों के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने उसमें ब्लड डाल लिया, अब उसमें जब आपने ब्लड डाल लिया और आधे घंटे के बाद आप उस ट्यूब को टिल्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, वो सारा का सारा ऊपर क्या बना होगा? एक लोथड़ा सा बना होगा, एक ब्लड क्लॉट होगा, मुंजमद हो चुका होगा, फ्रीज हो चुका होगा। वो क्या होगा? इस वजह से कि वहाँ पर आपने कोई एंटी कोगुलेंट नहीं डाला था। जब नहीं डाला था तो वो सारा का सारा जो है वो क्या हुआ? वो सारा का सारा जम गया। अब आपने क्या किया? जी बिल्कुल, क्लॉट हो गया। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि आपके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ा हुआ है, एक तरफ आपने वो येलो ट्यूब रखा, दूसरी तरफ आपने वो ब्लू ट्यूब रख दिया, एंड सेंट्रीफ्यूज को जो है वो आपने क्या किया? ऑन किया। सेंट्रीफ्यूज को जब आपने ऑन किया, 30 सेकंड के बाद आपने दोनों ट्यूब को उठा लिया, दोनों ऊपर से जो है वो क्या है, दोनों ऊपर से कोई फॉर्म जो है वो बना हुआ है जिसमें कोई पानी पानी आपको नज़र आ रहा है, येलोइश पानी नज़र आ रहा है आपको, और वो येलोइश पानी अब आप कहेंगे, मुझे अब पता नहीं होगा, वो मुझे आप कहेंगे कि यार ये जो येलो था ये ऊपर, इसको क्या कहेंगे? है सेम, दोनों सेम चीज़ें होंगी अब आपके पास, ठीक है। नीचे रेड ब्लड सेल बिल्कुल रेड रेड होगा और ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो फ्लूइड फॉर्म होगा। तो जो येलो में था वो ऊपर, उसको अब आप क्या कहेंगे कि ये क्या है?
प्लाज्मा कहेंगे नहीं, येलो में सीरम सर, सीरम कहेंगे, येलो में सीरम कहेंगे। सीरम क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर एंटीकोगुलेंट नहीं था। ठीक है, ठीक है। दूसरी तरफ जो आपने सीबीसी वाली जो है वो ट्यूब रोटेट की हुई थी, सेंट्रीफ्यूज की हुई थी, तो वो जो है वो आपके पास जो है वो ऊपर अब पानी जो नजर आएगा या फ्लूइड नजर आएगा, वो अब क्या कहलाएगा? वो प्लाज्मा उसमें बन जाएगा, वो प्लाज्मा बन जाएगा, एग्जैक्टली वो प्लाज्मा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पास अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट आता है और आपसे कहे कि हजरत मुझे सीरम दीजिए, तो आपने वो ब्लू ट्यूब से उसको नहीं देना होगा, आपने किससे देना होगा? आपने वो येलो ट्यूब से देना होगा। आपको पता होगा कि ये जो है ये आपके पास सीरम है और ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास प्लाज्मा है। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि जो आप सीरम से परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन प्लाज्मा से नहीं कर सकते, और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको पर्टिकुलरली प्लाज्मा से करने होते हैं, वो आप सीरम से परफॉर्म करेंगे तो आपका टेस्ट ही गलत आएगा। मिसाल के तौर पे पीटीए पीटीटी का टेस्ट हो गया, कॉगुलेशन के जितने टेस्ट हो गए, वो आपने 100% जो है वो किस चीज़ से करने होते हैं, वो प्लाज्मा से करने होते हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ओके, अब एक जनरल सा टॉपिक है और ये टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आप लोगों को आइडिया हो, और ये टॉपिक आगे जब हम नॉन ब्लड सेल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा आप लोगों को। मिसाल के तौर पे आप लोगों को पता है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि प्लेटलेट्स सर क्यों कम होते हैं, तो हमने कहा कि प्लेटलेट्स डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी वजह से जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अब वो वजह जो है वो पता नहीं चल रही, उस वजह के लिए जो है वो क्या है, बेसिकली आपने पीछे जाना होता है। और मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री से कोई चीज़ आपसे पास बन के आ रही है, आप चॉकलेट की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चॉकलेट की फैक्ट्री में जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास जो चॉकलेट का साइज़ है वो क्या हो के आ रहा है, छोटा हो के आ रहा है। आप किसी दुकान में वो चॉकलेट लेते हैं तो आप कहते हैं कि डेयरी मिल्क का साइज़ तो पहले बड़ा था, अब इसमें आधे आधे डेयरी मिल्क आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जो है वो हो रही है, करप्शन हो रही है कहीं ना कहीं, और वो कहाँ पे हो रही है, वो पीछे से हो रही है। तो आप जो है चले गए उस फैक्ट्री में, आपने उनको दिखाया वो कि भाई ये आपके जो चॉकलेट थे, ये थैली जो है वो भरी हुई है, रैपर जो है ये फुल है लेकिन इसके अंदर चॉकलेट जो है वो आधा है। उसने अपने मशीन को देखा, मशीन में जब उसने देखा तो उसने कहा कि ओ मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो फैक्ट्री बनाने की मशीन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, और ये चॉकलेट इस वजह से इसके अंदर जो है वो क्या आ रहे हैं, आधे आधे आ रहे हैं, बाकी प्रॉब्लम जो है वो कोई और नहीं है। तो इसका मतलब था कि चॉकलेट डिफिशियंसी जो थी वो कहाँ पर हो रही थी, वो फैक्ट्री के अंदर हो रही थी। ओके, एक ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि फैक्ट्री से हो के सही तरह आ रहे हैं, चॉकलेट पूरे आ रहे हैं, लेकिन बाहर जो है कोई करप्ट आदमी बना बैठा हुआ है और वो चॉकलेट को आधा आधा कर रहा है, उसके रैपर्स को जो है वो फिर गलत तरीके से क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, और आधे आधे चॉकलेट जो है वो आगे कहीं और जो है वो खुद खा रहा है या कुछ और कर रहा है। तो दूसरा तरीका ये है। तो एक जो है वो हमारे पास फैक्ट्री है, दूसरी जो है हमारे पास फैक्ट्री से बाहर है। तो यही तरीकाकार जो है ये हमारे पास ब्लड में भी होता है कि हमारा जो ब्लड बनता है वो कहाँ पे बनता है, बेसिकली वो बोन मैरो में बनता है। कहाँ पे बनता है? वो बोन मैरो के अंदर बनता है। आपकी जितनी हड्डियाँ है उसके अंदर में, एक उर्दू में जैसे कहते हैं गूदा, उसके अंदर जो है वो आपका ब्लड जो है वो पूरा का पूरा बनता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा। कोई अच्छा सा बच्चा मुझे ये बता दे कि आपका जो ब्लड है या कोई भी सेल्स बन रहे होते हैं, तो इंट्रायूटराइन लाइफ ये होता है कि माँ के पेट के अंदर जब बच्चा बन रहा होता है तो उस वक्त उसमें हड्डियाँ नहीं होती, पहले 3 महीने बल्कि तकरीबन 5 महीने तक उसमें कोई बोन्स तो नहीं होते, तो फिर वो कहाँ पे बन रहा होता है? सर अम्बिलिकल लाइन में बन रहा होता है, वो जो जिस लाइन से वो बच्चा कनेक्ट होता है मदर के साथ, या वो जो उसकी नाक में जो वो सर ट्यूब सी होती है उसमें सर वो बन रहा होता है, उसके थ्रू उसको ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, ये तो चले माँ की तरफ से हुआ ना, बच्चे के अंदर कहाँ बन रहा है? कोई और स्टूडेंट? अच्छा ठीक है, चले ये मेरे ख्याल में आपको पता नहीं है तो ये मैं खुद बता देता हूँ। देखिए,
ब्लड सेल्स डेवलपिंग फ्रॉम हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स एंड आर फॉर्मड इन द बोन मैरो थ्रू द हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस थ्रू हेमाटोपोएसिस. जी मुबारक हुसैन, आप बात करें प्लीज. आपने हाथ उठाया हुआ है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. सर ये बच्चे की स्प्लीन में नहीं बनता है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बच्चे की किस में बनता है? स्प्लीन के अंदर बनता है. ठीक है, ये बच्चे के स्प्लीन के अंदर बनता है, लीवर के अंदर बनता है. एक्सेलेंट. ठीक है, तो हमारे जो हमारा जो सिस्टम होता है वो ये नहीं है कि दुनिया में आने के बाद, माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद जो है वो सारा कुछ हो रहा होता है, बल्कि माँ के पेट के अंदर से ही हमारा प्रोसेस जो है वो फ्रॉम द फर्स्ट डे जब स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं तो उसी दिन से जो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट जो है वो हो जाती है. तो ब्लड सेल्स डेवलपिंग फ्रॉम हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये जो सेल्स बनते हैं ये पहला जो सेल होता है, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? हेमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं. हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिससे रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, जिससे रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, जिससे प्लेटलेट्स भी बनते हैं. इनका एंसेस्टर सेल जो है वो कौन सा होता है? हेमोपोएटिक स्टेम सेल होता है. हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स कैन बी ट्रांसफर टू रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये इन तीनों के अंदर जो है वो डिवाइड हो सकता है और ये बन सकता है. दीज स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड इन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड बोन मैरो इन पीपल ऑफ ऑल एजेस एज वेल एज इन द एम्बिलिकल कॉर्ड्स ऑफ द न्यू बेबीज. ठीक है, अब ये जो सेल्स है ये आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर, पेरिफेरल सर्कुलेशन भी ये होता है कि जो हमारे सामने वेन है इनमें नजर नहीं आएंगे. ठीक है, ये स्टेम सेल्स, ये मायलोब्लास्ट, ये जो प्रीवियस वाले छोटे सेल्स होते हैं ये हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे. हम यहाँ पे कौन से सेल नज़र आएंगे? यहाँ पे हमें न्यूट्रोफिल नज़र आएगा, यहाँ पे हमें बेजोफिल नज़र आएगा, यहाँ पे हमें लिम्फोसाइट नज़र आएगा. लेकिन इससे पीछे भी सेल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसके पीछे पूरी कहानी है. वो सेल जो है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे. तो हम एक इंसान के लाइफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. एक को हम कहते हैं फीटल और दूसरे को हम कहते हैं पोस्टनेटल. ठीक है, एक होगा हमारे पास प्रीनेटल और दूसरा जो है हमारे पास कौन सा हो गया? पोस्ट नेटल. जो प्री नेटल है ये कितने महीने का होता है टाइम ड्यूरेशन? ये 0 to 9 months यानी फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके 9 महीने तक ये टाइम होता है. और इसमें जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? पहले जो है वो क्या करता है, ये योक सेक जो है तकरीबन 3 महीने तक योक सेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ दीज सेल्स. फिर उसके बाद आपका लीवर, फिर उसके बाद आपका स्प्लीन. और आफ्टर 9 months बल्कि तकरीबन 5-6 महीने के बाद जब बोन्स बनना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपका पोस्टनेटल के अंदर आपके जितने बोन्स हैं जैसे वर्टिब्राज हो गए, पेल्विस हो गया, स्टर्नम हो गया, स्टर्नम इस जगह को कहते हैं, ठीक है, बीच का जो ये एरिया है, वर्टिब्रेज आप जानते होंगे, रिब्स जो है ये आपके ये वाले एरिया यहाँ पे, लिम्फ नोड्स आपके हो गए, फीमर हो गया, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल प्लेसेस वेयर वी कैन गेट एरिथ्रोपोएसिस, लीकोपोएसिस और थ्रोम्बोपोएसिस. अब ये नया टर्म मैंने यूज़ किया. लीकोपोएसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, एरिथ्रोपोएसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड थ्रोम्बोपोएसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस. तो ये जो पूरा अमल है इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे. एक को हम कहेंगे प्रीनेटल और दूसरे को हम कहेंगे पोस्टनेटल. प्रीनेटल के अंदर आपके 3 organs जो है वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं जिसमें योक सेक, लीवर और स्प्लीन, और फिर बोन मैरो साथ में निभाना शुरू कर देता है जो कि आपकी उम्र के आखिरी हिस्से तक चला जाता है, जिसमें से टिबिया, वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स, लिम्फ नोड और फिर फीमर जो है ये आपके एंड तक जो है वो साथ निभाते रहते हैं. ओके, सो ये प्रोसेस जो है जिसमें ब्लड बनता है इसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोएसिस कहते हैं. इसमें रेड ब्लड सेल की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जी मुबारक से, मुबारक हुसैन, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन क्या कहते हैं? आरबीसी. फॉर्मेशन को एरिथ्रोसाइट? नहीं, एरिथ्रोसाइट तो आरबीसी को ही कहते हैं. घनश्याम दास. सर जी, घनश्याम दास. घनश्याम दास गायब है, हालांकि ये मुझे हर रोज मैसेज करता है सर क्लास कब है, कब है, कब है, और जिसको क्लास है तो क्लास से ये गायब है. जी अहमद बिन फैसल.
احمد بن فیصل آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی. جی احمد کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی اللہ کا شکر. اچھا کچھ نیا سننے میں مل رہا ہے تمہیں؟ جی جی. اچھا اس کا فائدہ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے آگے آنے والے کورس میں ہیں. ٹھیک ہے جی احمد یہ بتائیے کہ فارمیشن آف ریڈ بلڈ سیلز از کالڈ ایریتھروپوئیسز. ایریتھرو نہیں ایریتھرو. ایریتھروپوئیسز. ٹھیک ہے پوئیسز بیسیکلی میننگ پوئیسز کی ہے فارمیشن. ٹھیک ہے ایریتھروپوئیسز یعنی فارمیشن آف ریڈ بلڈ سیلز. جی فاطمہ یاسین. جی محترمہ غائب ہے سٹارٹ سی. گن شام داس بھی غائب ہے. ہینا سے میں نے پوچھ لیا. عمران افضل سے آج میں نے کوسچن نہیں پوچھا. عمران افضل. یس سر. جی فاطمہ یاسین. اچھا یہ ہے کلاس میں. جی فاطمہ یہ بتائیے مجھے کہ لمفوسائٹ کے فارمیشن کو کیا کہتے ہیں؟ لمفوسائٹس کی فارمیشن کو جی ہیموپوئیسس. نہیں ہیموپوئیسس تو ایک جینرک ٹرم ہے جو کہ سب کے لیے یوز ہوتا ہے. پرٹیکولرلی لمفوسائٹ کے فارمیشن کو کیا کہیں گے ہم؟ آئیڈیا بنا لے. یہ ابھی جو احمد بن فیصل نے بتایا تھا انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ریڈ سیل فارمیشن کو کیا کہتے ہیں؟ ایریتھروپوئیسز. ٹھیک ہے تو اس میں جو پہلا والا ورڈ ہے وہ ایریتھرو یہ کس چیز کو کرتا ہے سیمپل کرتا ہے کیا چیز ہے؟ تو اگر میں آپ کو کہوں گا کہ چاکلیٹ کے فارمیشن کو کیا کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ چوکوپوئیسز. چوکوپوئیسز کہیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ سیرم جو آپ لڑکیاں لگاتی ہے ٹھیک ہے سیرم بیوٹی کے لیے لگاتی ہے تو اگر سیرم کے فارمیشن کو ہم کہیں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سیروپوئیسز. سیروپوئیسز کہیں گے. ویری گڈ. ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ لمفوسائٹ کے فارمیشن کو کیا کہیں گے؟ لمفوپوئیسز. لمفوپوئیسز. ویری گڈ ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے تو جو آپ کے پاس فارمیشن ہے وہی سیل اور اس کے بعد وہ فارمیشن. جی راجو. راجو کون ہے؟ راجو یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اچھا راجو صاحب غائب ہیں. اوکے سعید انور صاحب. جی سر. اچھا سعید انور یہ مجھے بتائیے کہ وائٹ بلڈ سیلز کے فارمیشن کو کیا کہیں گے؟ مائنڈ میں نہیں سر. وائٹ بلڈ سیلز کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا ہم نام کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں کچھ سیلز کے نام ہوتے ہیں. نہیں 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 دیکھیں یاد رہے آپ یہ چیز یاد رکھ لیں کہ کچھ بچوں کے نام ہوتے ہیں نا گھر میں. مثال کے طور پہ تنزیل الرحمان ایک نام ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پرفیکٹ اس کے امی ابو نے اس کا نام رکھا ہوا ہے. اسی طرح ریڈ بلڈ سیل کا جو اپنا نام تھا وہ تھا ریڈ بلڈ سیل ہی نام تھا. اس کو پیار سے جو ہے انہوں نے گھر میں کیا نام بلانا شروع کر دیا؟ ایریتھرو بلانا شروع کر دیا. تو مثال کے طور پہ تنزیل الرحمان کسی کا نام ہے تو اس کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ ٹینزو بولتے ہیں یا ٹینزی بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیل کو ہم پیار سے کیا بولتے ہیں؟ لیکو بولتے ہیں. لیکو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو ہم؟ لیکوسائٹ. لیکو. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ لیکوسائٹ کی فارمیشن کو ہم کیا کہیں گے؟ لیکوپوئیسس. ویری گڈ. لیکوپوئیسس ہی کہیں گے. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے لیکوپوئیسس کہیں گے. ویری گڈ. صحیح ہے. تو یہ جو پوئیسس ہے یہ آپ نے اس سیل کے ساتھ ایڈ کرنا ہے. اب سنیں کہ پہلا جو ہے وہ ایریتھروسائٹ تھا ریڈ بلڈ سیل کا تو ایریتھروسائٹ سے کیا بنا؟ ایریتھروپوئیسس دا فارمیشن آف ریڈ بلڈ سیل. دوسرا ہمارے پاس جینرک ورڈ آ گیا لیکوپوئیسس دا فارمیشن آف وائٹ بلڈ سیل. پھر ایزینوفل کا جو ہے وہ کیا تھا؟ ایزینوپوئیسس نیوٹروپوئیسز اور بیزوپوئیسز. یہ ورڈ یوز نہیں کرتے ہم. اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اور وہ ایک ورڈ جو ہے وہ کیا تھا؟ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گرینولوسائٹس کہتے ہیں. تو اس کو ہم کمبائنلی کیا کہیں گے؟ گرینولو
ओएसिस कहेंगे, ग्रैनुलो ओएसिस कहेंगे, ठीक है। ओके, ये मुझे बताइए घनश्याम दास, प्लेटलेट के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? थ्रोम्बोपोएसिस कहेंगे, एक्सेलेंट, ठीक है। ये माइक बंद कर दिए, मेरी आवाज मुझे खुद दोबारा सुनाई दे रही है। ओके, अच्छा, उजैर हसन, उजैर हसन साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा उजैर, ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? सर प्लाज्मा में एंटीकोगुलेंट होता है और सीरम में एंटीकोगुलेंट नहीं होता। सीरम में एंटीकोगुलेंट नहीं होता, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, ये यार ये मेरी फोन इसमें ऑन है, काइंडली इसको बंद कर दे, इसको म्यूट कर दे। ये घनश्याम दास आप काइंडली इसको म्यूट कर दे प्लीज, बल्कि हो गया, ठीक है। ओके, सो किधर चला गया हमारा लेक्चर? जी ये तो प्लाज्मा, और उसको हमने डिस्कस भी कर लिया कि द लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये एक जेनेरिक टर्म है, जब हम बॉडी की बात कर रहे होते हैं दैट इज मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन, साल्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर होती है, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है प्लाज्मा के अंदर होते हैं। हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन द बॉडी, सो प्लाज्मा इज मोस्टली मेड ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू अ पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स ईच डे, इट्स द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड वर्क्स एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड इन इट, इट इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद रहती है। रेड ब्लड सेल जो है, ये रेड ब्लड सेल्स है, और इसको अगर आप माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो ये बाइकनकेव शेप डिस्क होता है, डोनट शेप जो है वो होता है, और रेड कलर इसका रहता है, और तकरीबन ये बोन मैरो से लेके आपके ब्लड स्ट्रीम तक जब आता है तो 7 दिन जो है उसको लगते हैं मेच्योर होने तक, ठीक है। एरिथ्रोसाइट का जो पहला सेल होता है उसको हम कहते हैं एरिथ्रो ब्लास्ट बोलते हैं, और एंड का जो सेल होता है बीच में तकरीबन 6 स्टेप्स होते हैं, जैसे एरेथ्रोब्लास्ट हो गया, बेसोफेलिक ब्लास्ट हो गया, फिर उसके बाद ऑर्थो हो गया, फिर उसके बाद जो है उसके बाद पॉली हो गया, फिर ऑर्थो हो गया, फिर रेटिकुलोसाइट हो गया, और फिर एट द एंड जो है वो क्या हो जाता है, एरेथ्रोसाइट बन जाता है। तो ये स्टेप्स है, ये सेल जब है ये एरेथ्रोसाइट, तो ये ऐसे बन के नहीं आया, बल्कि इसके अंदर जो है ये बहुत सारे स्टेप्स जो है वो कंबाइन हो के एक एक स्टेप के बाद जो है ये बन रहा होता है। तो पहला जो स्टेप होता है बोन मैरो के अंदर ये बन रहा होता है, उस वक्त हम इसको एरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं, ये बोन मैरो के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद जो है वो बेसोफेलिक एरेथ्रोब्लास्ट होता है, ये भी बोन मैरो के अंदर होता है। फिर उसके बाद पॉलीक्रोमेटोफेलिक बन जाता है, ये भी तब भी ये बोन मैरो के अंदर ही होता है। फिर उसके बाद जो है ऑर्थोक्रोमेटोफेलिक एरेथ्रोब्लास्ट होता है, तब भी ये बोन मैरो के अंदर होता है। फिर उसके बाद ये बाहर जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, और रेटिकुलोसाइट आपने सुना होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं हम ना, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट जो है इसको तकरीबन 1-8 दिन लग जाता है ये मजीद एरेथ्रोसाइट में मैच्योर होने में। तो ये एरेथ्रोसाइट है, एरेथ्रोसाइट के अंदर होता क्या है, बेसिकली एरेथ्रोसाइट के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन जो है उसके बहुत सारे फंक्शन है। आपका जब लेवल कम होता है हीमोग्लोबिन का तो वो कहलाता है एनीमिया कहलाता है, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था साथ स्टार्ट में, जिसको मैंने कहा था कि आप अपना चैट जो है उसके ऊपर लिख दे ड्रॉप योर क्वेश्चन हेयर, उस बच्चे का क्वेश्चन क्या था वो यहाँ पे अब उसका जवाब मैं दूंगा। उसने क्या पूछा था, ज़रा वो क्वेश्चन दोबारा पूछ ले, याद है उसको या वो बच्चा है? आप वो क्वेश्चन पूछे, हीमोग्लोबिन कैसे कम होता है सर? हीमोग्लोबिन कैसे कम होता है, वेरी गुड क्वेश्चन, और उसका आंसर भी जो है सर ये किस तरह कम होता है ये मैंने पूछा था आपसे। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो चीज है वो आप याद रखिए कि जब भी आपके पास हीमोग्लोबिन कम होता है, ओके, एज अ फ्लेबोटमिस्ट पहले तो ये याद रखें कि हीमोग्लोबिन जो है ये आप लोग सीबीसी में परफॉर्म करते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट है, उसमें परफॉर्म करते हो, जो कि लेवेंडर कलर टाइप ऑफ ट्यूब के अंदर जो है वो आप लेते हैं। और हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो इसको हम कहते हैं एनीमिया,
एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनीमिया जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब आपका अगर एनीमिया कम हुआ तो डॉक्टर जो है किसी को आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं, किसी को फोलेट सप्लीमेंट देते हैं, किसी को कहते हैं कि भई आपको ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, किसी को कहते हैं कि आपको तो ब्लड का कैंसर हो गया जैसे कि थैलेसीमियाज वगैरह हो गए, और किसी को कहते हैं कि आपने फेवाबीन वगैरह नहीं खाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो उसका उसकी एक वजह नहीं है बल्कि इसको कहीं वजह जो है वो मौजूद रहते हैं। तो हम जब भी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हम एनीमियास को तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रोसेटिक एनीमिया, और तीसरे को हम कहते हैं नॉर्मोसेटिक एनीमियास कहते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसेटिक एनीमियास है इसके चार किस्म है, अकसाम है इसके। एक को कहते हैं आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एनीमिया क्यों कम होगा, एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आयरन जो है वो क्या हो रही है, डिफिशेंट हो रही है, उस वजह से कम हो रहा है। दूसरा इसके अंदर होता है थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो खानदानी तौर पर बन नहीं रहा होता, जेनेटिकली वो बन नहीं हो रहा था, यानी माँ बाप के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है और वो बच्चा कैरी कर लेता है और उस कैरी करने की वजह से वो मसला जो है वो ऑफस्प्रिंग में नज़र आता है, जिसकी वजह से उसकी जेनेटिकली जो है वो हीमोग्लोबिन कम होती है, तो इसका जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया, यानी अगर किसी को कोई सिवियर टाइप का इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से भी एनीमिया जो है वो हो जाता है। इसी तरह मैक्रोसेटिक एनीमिया के अंदर जो है वो आपका अगर फोलेट डिफिशेंसी है, यानी फोलेट एक है वो अगर कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो है एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी 12 जो है उसकी वजह से हो जाता है एनीमिया कम। इसी तरह G6PD जो है उसकी वजह से कम हो जाता है। सिकल सेल जो है अगर आपके म्यूटेशन हो जाती है, ग्लूटामिक एसिड जो है विटामिन की जगह आ जाता है, उसकी वजह से एनीमिया जो है वो कम हो जाता है। तो अगर ब्लीडिंग हो जाती है, ट्रॉमा हो गया है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें अगर आपका HB जो है वो कम हो जाती है, ब्लड निकला हुआ है, तो बहुत सारी HB जो है वो कम हो जाती है। तो जब भी आपकी हीमोग्लोबिन कम होती है, और याद रहे कि अगर फीमेल के अंदर ये 12 से कम हो जाए और मेल के अंदर ये 13 से कम हो जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये अब इस बंदे को क्या हुआ है, एनीमिया जो है वो हो चुका है, ठीक है। ओके सर, तो ये जी बिल्कुल पूछें सर। एक क्वेश्चन है, मैंने कि सर मैं खुद तो मेरी मतलब या 11 रहती है, इससे बढ़ती नहीं। आप खुद क्या है? हेलो आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मुझे, आप खुद या हेलो जी सर। अरे ये कह रहे हैं ये खुद एनीमिक हैं और इनका हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, 11 से ऊपर नहीं। ठीक है, आप इस तरह करें कि आप पहले अपनी CBC कर लें और CBC की रिपोर्ट मुझे, मतलब कि मेरी HG 11। और देखिए बात सुने ना, आपकी HB अगर 11 है ओके, तो आप अपनी CBC पहले पर उसमें तो CBC कर ले। अगर आपकी CBC है वो आप मुझे WhatsApp कर दे, उसमें फिर आगे देखना होता है कि ये किस टाइप की तरफ जा रही है, ओके। आपकी माइक्रोसेटिक पे जा रही है, मैक्रोसेटिक पे जा रही है, या नॉर्मोसेटिक पे जा रही है, तो उस लिहाज से फिर बंदा उसके आगे जो है वो टेस्ट कर देता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी माइक्रोसेटिक की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई आयरन डिफिशेंसी एनीमिया वगैरह इस तरफ जो है कुछ हुआ होगा। ये अचानक जो है वो कोई आपको इस तरह बिल्कुल नहीं बताएगा कि आप कह रहे हैं कि मेरी HB जो है वो कम है और आपको बंदा कहेगा कि नहीं आप जो है अब ये लेना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप अपना CBC परफॉर्म कर लें, उसका टेस्ट मुझे सेंड कर दें, फिर उसके बाद अगर मजीद टेस्ट करने होंगे मैं आपको बता दूंगा और फिर आपका जो है वो सॉर्ट आउट कर देंगे कि आपकी HB जो है वो क्यों कम होती है, ठीक है। सो ये आप लोगों ने खुद बता दिया मुझे ये वाली
ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये आप लोगों को खुद पता चल गया, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस जो है ये आप लोगों ने खुद कहा था। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स में पांच किस्म के सेल्स जो थे वो हमारे पास, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद रहे कि TLC जो होती है, टोटल लीकोसाइट काउंट, इसको हम जो है वो WBCs के बेस पे जो है वो देखते हैं, यानी जब ये ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि लीकोसाइटोसिस है। और ये क्यों होता है कि जब आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ओके, मिसाल के तौर पे अगर किसी एक शख्स को UTI हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके न्यूट्रोफिल जो है वो क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इस बंदे को क्या चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए। वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करेगा तो बैक्टीरिया जो है वो खुद ही क्या हो जाएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे। इजिनोफिल अगर किसी को कोई एलर्जिक कंडीशन है या पेट में कीड़े हैं, असिस्ट है, वॉर्म्स है, तो उसकी वजह से आपको जो है वो इजिनोफिल काउंट जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह बेजोफिल का भी यही हाल होता है। लिम्फोसाइट वायरल फ्लू के अंदर जो है आपकी लिम्फोसाइट या वायरल इन्फेक्शन जितने हो गए उसमें अक्सर आपका लिम्फोसाइट काउंट जो है वो बढ़ा हुआ होता है। मोनोसाइट के अंदर जो है वो सीवियर इन्फेक्शन के अंदर आपके बैक्टीरियल, वायरल और बाकी जो मटेरियल अगर कोई अंदर आ जाता है तो उसमें जो है वो मोनोसाइट आपके बढ़े हुए होते हैं। प्लेटलेट्स का बेसिक जो है वो काम क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन करना, और प्लेटलेट्स आर बेसिकली फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स जो कि शेडिंग है बेसिकली किस चीज़ की, मेगा केरोसाइट के उसकी साइटोप्लाज्म की। प्लाज्मा और सीरम के दरमियान मैंने आपको फ़र्क बता दिया कि प्लाज्मा जो है वो पार्ट है कि जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट पहले से मौजूद है, यानी एक्सक्रीटेड विद द एंटीकोगुलेंट, और एंटीकोगुलेंट डिफरेंट टाइप्स के थे जिसके अंदर हमने आपसे आपको कहा बल्कि नहीं कहा था, जैसे नेचुरल ऑकरिंग एंटीकोगुलेंट कौन कौन से है, प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है और हेपरिन है, ये हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और हमारे बॉडी के अंदर इसी वजह से जो है वो एक वजह ये है, बाकी भी बहुत सारे वजह है, एंडोथेलियल सेल भी इसमें अपना कमाल अदा करता है, रोल प्ले करता है, लेकिन एक जो है ये है कि आपके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट इस वजह से नहीं होता कि उसमें नेचुरल ऑकरिंग एंटीकोगुलेंट जो है वो पहले से मौजूद होते हैं। जो लैब में यूज़ हो रहे होते हैं तो उसमें से एक जो है वो EDTA है, जैसे इथाइलिन डायमाइन टेट्रासिटिक एसिड है, सोडियम साइट्रेट है, ऑक्सीलेट्स है, ये आपके ज़्यादातर लैब के अंदर यूज़ होने वाले एंटीकोगुलेंट्स है। इसी तरह ब्लड बैंक के अंदर जो है वो भी आपके एंटीकोगुलेंट्स यूज़ होते हैं जो कि आपके बैग के अंदर जो आप ब्लड खून देते हैं, अगर आपने दिया होगा तो उसमें पहले से एक मटेरियल जो है वो केमिकल मौजूद होता है जिसको हम CPD या CPDA1 कहते हैं, यानी सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडेनिन, ये पहले से मौजूद होता है। तो ये एंटीकोगुलेंट्स के कुछ नाम हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने भी याद रखने हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स में EDTA जो है ये आप इस तरह के ट्यूब के अंदर आपको नज़र आएंगे, लेवेंडर कलर के अंदर, और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड डाईपोटाशियम जो है ये होता है। और कौन से टेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, ये CBC के लिए यूज़ हो सकता है और HbA1c के लिए यूज़ हो सकता है। पेरिफेरल स्मेयर इससे आप लोग बना सकते हैं, ब्लड ग्रुपिंग आप इससे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटीकोगुलेंट इसमें यूज़ होता है। हेपरिन जो है आपके केमिस्ट्री और साइटोलॉजी के टेस्ट के लिए यूज़ हो रहा होता है। सोडियम साइट्रेट जो है आपके कोगुलेशन के लिए और ESR के लिए जो है वो यूज़ हो रहा है। हाँ, इसके अंदर ट्यूब जो है वो डिफरेंट होते हैं, जो ESR के लिए यूज़ होता है तो उसके लिए ब्लैक ट्यूब यूज़ होता है, और जो कोगुलेशन के लिए यूज़ होता है तो उसके अंदर जो है ये लाइट ब्लू कलर का ट्यूब जो है वो यूज़ हो रहा होता है। SED और CPD ये पहले मैंने बता दिया कि ये ब्लड बैंक के लिए जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो ये आज आप लोगों का टॉपिक था। अब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है, बिल्कुल वो पूछ सकता है। टॉपिक शेयर हो सकता है सर हमें? जी बिल्कुल, मैं अभी आप लोगों को ये टॉपिक शेयर करूंगा, कल की जो क्लास है ये शेयर कर दीजिएगा जी, मैं ये शेयर कर दूंगा, कल की जो क्लास होगी उसमें इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने, क्योंकि वो उसमें मैं डायरेक्ट इशू होगा तो वो 2 घंटे जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी एम्बिग्विटी है आपको, आप आज रात को लेक्चर देखेंगे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल वो 2 घंटे जो है वो आपका भाई आपके लिए हाजिर होगा, आप वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो वो जो 2 घंटे होंगे वो क्लास वो आपकी ऐसी होगी कि वो आप पहले लेक्चर तैयार कर रहे होंगे, जो असाइनमेंट मैं दूंगा उसके बारे में आपको अगर फिर पूरे वीक में कोई मसला होगा तो वो भी आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई और क्वेश्चन अगर है तो बिल्कुल आप पूछें।
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उनकी जो शेयर हो सकते हैं वो भी लेक्चर वैसे पीडीएफ फॉर्म में या डायरेक्ट स्लाइड वगैरह ग्रुप में? अच्छा, वो भी मैं शेयर कर दूंगा क्योंकि उसके मैंने मुझे लग रहा था कि उसकी खास ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो आप लोगों का बेसिकली कोर्स आउटलाइन था ना, तो वो कोर्स आउटलाइन आपको अगर मैंने अपने यूट्यूब चैनल वाली वीडियो दी हुई है तो उसमें मैंने ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, लेकिन चले मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। जी कोई और क्वेश्चन? ठीक है, चले थैंक यू सो मच। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मज़ीद, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए, आपने बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।